लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो सुविधाएं देता है वो मुंबई का कोई और बिल्डर नहीं दे सकता। आप लोग तो पार्की हो, हर चीज परख सकते हो। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सही जगह लगा है। आपका लगा हुआ खरा पैसा कल आपको खरा सोना देगा। खरा सोना मिलेगा अगर कल ये राज्य की सरकार बचेगी। पॉलिटिकल सिचुएशन डामाडोल है, वहां विधानसभा में सरकार गिरी और यहां प्रॉपर्टी के भाव सोना से मिट्टी। ऐसी हालत में हम और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जीजी साहब जो ब्याज देते हैं मार्केट में कोई और नहीं देता। और ये जीजी बहुत ऊंची चीज है, 6 साल पहले इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, आज शहर का टॉप बिल्डर है। आ गए जीजी साहब। आप में से कौन है जिसे अपना पैसा वापस चाहिए? क्या करेंगे साहब, पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रही है, सरकार कभी भी गिर सकती है। कल सीएम गिरा और उसके साथ प्रॉपर्टी के भाव। ना सीएम गिरेगा और ना प्रॉपर्टी के भाव लुढ़केंगे। मेरा ऑफर अब भी ओपन है, आप लोगों को पैसे वापस चाहिए देता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद हम आपसे फिर से कभी पैसा नहीं लेंगे। जीजी साहब आप नाराज हो रहे हैं। सीधी बात है, या मुंह फुला लो या हंस लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन जीजी आप इन्वेस्टर्स का भी तो कुछ सोचो। पहली बात, ये सरकार नहीं गिरेगी, और दूसरी, या तो मेरे साथ आसमान में उड़ो या फिर नीचे चींटी और कीड़ों की तरह रेंगते रहो। अमृत पाटिल जिंदाबाद, अमृत पाटिल जिंदाबाद, अमृत। वाह ये अच्छा है, सारे सनशाइन चमकीले मिनिस्ट्री आपके खाते में, और मैं मेरे कार्यकर्ताओं को मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बिठाऊं? हाँ सॉरी जैन पाटिल, मैं तुम्हें लेबर पानी। उससे क्या होने वाला है सीएम साहब,
हा? नहीं कहिए ना, क्या होने वाला है? कृषि आपका, स्वास्थ्य आपका, ट्रांसपोर्ट आपका, कपड़ा भी आपका, और मैं क्या धोबी का गधा हूं? बचपना छोड़ो पाटिल, तुम जितना पचा सकते हो उसे ज्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखिए सीएम साहब, हमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं तो ये सरकार नहीं। वाह वाह पाटिल वाह, मोल भाव करना सीख गए हो तुम, गुड। लेकिन एक बात याद रखना, आने वाले 2 साल में तुम्हारी एक भी और डिमांड नहीं होनी चाहिए, और अगर यह शर्त मंजूर है तो सरकार मुबारक हो। आपको भी। अमृत पाटिल जिंदाबाद, अमृत पाटिल। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्य के विकास के लिए और जनता की खुशहाली के लिए हमारी पार्टी इस सरकार को समर्थन देगी। लेकिन इलेक्शन में तो आप रूलिंग पार्टी के खिलाफ थे, क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? नहीं नहीं, राजनीति में धोखा नहीं, सिर्फ फैसले होते हैं। सर क्या ये सच है कि आपको लैंड और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जा रही है, इसीलिए आप ये? देखिए किसे क्या मिलता है ये तो मुकद्दर की बात है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। अमृत पाटिल जिंदाबाद, अमृत पाटिल जिंदाबाद, अमृत पाटिल जिंदाबाद। आज राजभवन में आयोजित समारोह में श्री अमृत पाटिल ने नए लैंड और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर पद की शपथ ली। मैं अमृत पाटिल सत्य और निष्ठा के साथ मिनिस्टर बाबा राव भोसले के साथ चली 4 घंटे की लंबी बातचीत के बाद। क्यों मुस्कुरा रहे हो मेरी ताजमहल? जिंदगी भी क्या हंसी जुआ है, एक पत्ता फेंका था अपने इन्वेस्टरों के सामने कि सरकार नहीं गिरेगी, और नहीं गिरी। अपना अमृत पाटिल तुर्रम खा हो गया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गया। तो बधाई दी, वो तो उसे मिलकर दूंगा। 400 साल पहले ये मुंबई जमीन के 7 छोटे टुकड़े थे, आइलैंड्स, जहां कुछ मछुआरे रहते थे, जिसे पोर्चुगीज ने अंग्रेजों को दहेज में दिया। किसने सोचा था कि यहां इतना बड़ा शहर बनेगा जहां अरबों खरबों का धंधा चलेगा? सोचो इतना बड़ा शहर बसाने का सपना किसने देखने की हिम्मत की होगी? शहर बसाने का सपना कोई एक आदमी थोड़ी देखता है जीजी। सपना सिर्फ एक आदमी देखता है नताशा, सपने संगत में नहीं देखे जाते। कल रात मैंने भी एक सपना देखा, बेडरूम में चलो सुनाती हूँ। नताशा जब मैं सोचता हूँ तो मुझे सोचने दो। शहर मानना पड़ेगा जीजी, अभी तक शहर बनाने का सपना लेके घूम रहे हो तुम। अरे जीजी 1000 एकड़ जमीन चाहिए, और ये पूरा इलाका आदिवासियों का है, आदिवासियों की जमीन खरीदना आसान नहीं है। अरे 50 कानून है, 100 हथकंडे हैं, और तुम कॉलोनी बनाने की बात नहीं कर रहे हो, एक शहर बनाने की बात कर रहे हो। शहर बनाना है ना, रास्ते, अस्पताल, स्कूल, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, बिजनेस सेंटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स, क्लब्स। हाँ मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ। कभी लास वेगस गए हो? वो तो तुम जैसे खिलाड़ियों की जगह है, तुम ले जाओगे तो जाऊंगा। लास वेगस कुछ नहीं था, वहां सिर्फ रेगिस्तान। ताजमहल देखने इतने लोग साल भर में नहीं आते जितने लोग वहां रोज जुआ खेलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आदमी ने रेगिस्तान में शहर बसाने का सपना देखा था। सोचिए पाटिल साहब, हमारा अपना शहर जहां हर चीज पर हमारी मोनोपली होगी, सिक्योरिटी, बिजली, पानी, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, हर चीज। और अगर कैसीनोस की परमिशन मिल गई तो सोचिए कि क्या हो सकता है।
80-90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये 30-50 हजार करोड़ का बिजनेस बन सकता है। सोचना बहुत आसान है जीजी। पाटिल साहब, इलाका आपका, सरकार आपकी, फाइनेंसर तैयार है, फिर प्रॉब्लम क्या है? आपका जो हिस्सा होगा पहले ही तय कर लेंगे। देखो उसमें ऐसा है ना भाई, उनको खुदा मिले जिनको है खुदा की तलाश, मुझको अपना हिस्सा मिले, बस बात खलास। मुकदम जी साहब। जी जी, ये मुकदम है, ये मेरा यहाँ का सारा कामकाज संभालता है। जी जी साहब को पूरा सोनगढ़ का इलाका दिखाओ। जी सर। जी जी, ख्वाब बहुत अच्छा है, पहली बार कोई मिला जो खुली आंखों से ख्वाब देखता है, लेकिन ख्वाब पूरा होने तक आंखें खुली रखना है। खुली रहेंगी पाटिल साहब। पाटिल साहब, गुड नाइट। अच्छा मुकादम, ये बताओ, ये आदिवासी लोग करते क्या हैं? साहब जी, अब तो थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं, पहले तो ये हर साल अकाल पड़ता था। हर तरफ तो यहाँ सूखा है, अब तक एक हरा पेड़ नहीं नजर आया। कोई ऐसी जगह दिखाओ जहाँ हरियाली हो, पानी हो, ये इलाका नहीं चलेगा। हाँ, अरे ये एरिया तो पूरा सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है। तुम पूरब की ओर जाओ, वहाँ पानी है। सुना है कोई गुरु ने वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग किया है और वहाँ एक बड़ी सी झील भी बन गई है। वो क्या है? वो तो सब ऋषिवन आश्रम है। आश्रम? ये तो जन्नत है। पता है बादशाह जहांगीर ने कश्मीर को जन्नत क्यों कहा? क्योंकि उसने ये जगह नहीं देखी थी। साहब जी, ये बादशाह जहांगीर कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डर शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया, उसका पाप। पाप रे। चल बाप, वहां चलते हैं। प्रणाम स्वामी जी। शुभम, आश्रम में वाहन प्रवेश वर्जित है। अच्छा अच्छा। साहब जी, यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। साहब जी, इसी ऋषि वैद्यनाथ ने कुछ 50 साल पहले ये आश्रम शुरू किया था। वो हो तो उन्हीं से मिल लेते। नहीं साहब जी, वो तो 5-6 साल पहले गुजर गया। इनका दवाइयों का धंधा है? धंधा नहीं है साहब, ये आयुर्वेद की दवाइयाँ उसी ऋषि के जमाने से लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। अब एक नया गुरु है जो आश्रम चलाता है, इनकी दवाइयाँ बहुत असरदार है साहब। कुछ साल पहले इस गुरु ने यहाँ पर एक अनाथ आश्रम भी खोला है। बच्चों को पालता है, मुफ्त में दवाइयाँ देता है, उसकी आमदनी क्या है? मेरा मतलब, इतना पैसा कहाँ से आता है? ये अपन को नहीं मालूम साहब, आइए। स्वामी जी। शुभम। शुभम, ये जी जी साहब हैं, ये गुरु जी से मिलना चाहते हैं। गुरु जी से? हाँ। आज तो नहीं, आज का दिन गुरुजी के आश्रम का विशिष्ट निरीक्षण दिन है, इंस्पेक्शन डे। पता नहीं समय वो कहाँ होंगे, बेहतर यही होगा आप किसी और दिन आए। शुभम। ये गुरु कोई पूजा पाठ प्रवचन वाला संत है क्या? नहीं साहब, इस आश्रम का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। सुना है ऋषिवन का दरवाजा हर धर्म के बेसहारा लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। क्षमा करें, इस जगह धूम्रपान मना है। शुभम, ए गुरुजी, गुरुजी मैंने नहीं, इसने किया। इन दोनों की गलती की वजह से गुरुजी 3 दिन से उपवास कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। तुम दोनों अभी गुरुजी के पास जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। शुभ,
शुभम हम कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, हम कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई गुरुजी। आप कहिए ना गुरुजी। दोबारा तो नहीं करोगे ना? नहीं। गुरुजी, एक बुरी खबर है। सुना है कि मंत्री पाटिल के लोग गांव वालों से जमीन खरीद रहे हैं। रामनाथ पी। गे गे पी पी। बॉस बॉस बॉस। अरे अरे मुफ्त की पी पी कर तू मर्दा। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी। दिन रात इनको शराब पिला रहे हैं। इनसे आप क्या बात करेंगे गुरुजी? छोड़ना गुरुजी मेरे जी, चल पी ले पी ले पी ले। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये गुरुजी है ना, तुमको यहीं पे दबाएगा, तरक्की होने नहीं देगा, समझा ना? देख, घबराने का नहीं। मंत्री साहब ने बोला है मुंबई में सबको एक खोली और राशन कार्ड मिलेगा। रामनाथ, और रामनाथ, रामनाथ, अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अरे रामनाथ, इतने साल सरकार से लड़कर तुम लोगों को ये जमीन दिलवाई और तुम लोग इसको बेचकर जा रहे हो। तुम लोगों को नहीं मालूम कि तुम लोग क्या कर रहे हो? सुनो, उस मंत्री पाटिल को बोलना वो जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं है, और मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या कहा था लटी ने? चेक जम गया ना बरोबर? जी सर। मुकदम, ये 15 लाख रुपए ऊपर के खर्चे के लिए जी। इसका हिसाब अलग से दे देना। ठीक। खोटे, ये जितनी भी जमीन खरीद रहे हो, याद रहे कागज के काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और सारा पैसा पंचायत ऑफिस के जरिए ही दिया जाना चाहिए। आप मुझ पर छोड़िए सर, जो कुछ होगा कानून के तौर पर ही होगा, नॉट टू वरी। आज तो कमाल हो गया। मुझे लगा जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, पर तेरा नसीब बहुत अच्छा है, आज लोग जमीन बेचने के लिए लाइन लगा रहे हैं। नेता को नीति नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पैसे की नहीं चलती हो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। 15 गुंठा जमीन, पांडुरंग यादव, 1 गुंठे का 2000, 15 गुंठे का 30,000। विटनेस उसला गांव सरपंच, ये ले 1, 2, 3, 30,000। अंगूठा लगा। अरे ये हाथ नहीं, वो हाथ। अपनी मुंबई को दूसरे राज्य के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं। जब हमारी सरकार मुफ्त में घर बांध के दे रही है, तो उसका फायदा उठाने का पहला हक आप लोगों का है। आप लोगों को बिजली पानी देने की जिम्मेदारी मेरी, और आने वाले 2 साल में यहीं पर बिल्डिंग बनेगी और आप सभी लोगों को पक्का घर मिलेगा। जय हिंद। उम्मीद बेचो और जीतने वाले उम्मीदवार बने रहो। ये सारी परमानेंट वोट बैंक तुम्हें मुफ्त में दे दिए, मुबारक हो। धन्यवाद साहब जी। हाँ, हर एक से 10x10 खोली का 10,000 रुपए लिया। इसे कहते हैं एक दाम तीन काम। काम वॉर फुटिंग पर चलेगा तो ही हम जल्द से जल्द एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। वक्त पैसा है,
ये बात कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में सबसे ज्यादा लागू होती है। जीजी सिटी एक ऐसा शहर होगा जिसे हिंदुस्तान के लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। यह फेज वन, अम्यूजमेंट पार्क, फाइव स्टार क्लब, गोल्फ कोर्स के साथ। इसके पूरे होते ही लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, फिर उनके पैसे से और क्लब की कमाई से हम फेज टू शुरू करेंगे, हाउसिंग। प्लान बहुत अच्छा है। लेकिन पाटिल, उसके लिए मुझे ये आश्रम की जमीन चाहिए। अरे थोड़ा सब्र करो जी, जब आसपास की सारी जमीन हमारी हो गई है तो आदिवासी लोग भी चले जाएंगे, फिर ये गुरुजी यहाँ अकेले बैठ के क्या करेंगे, वो भी चले जाएंगे अपने आप। चले हम भी। यहाँ का एक एक हरा पत्ता, डाली, पेड़, सब गुरुजी की मेहनत और पसीने का फल है। ये जमीन सारी बंजर थी, हमें उस मंत्री पाटिल को रोकना होगा वरना इस सुंदर वन को सीमेंट के जंगल में बदल देगा। हाँ शुभम, शुभम, शुभम। वकील साहब, इस पाटिल का क्या करें, कुछ सोचा है आपने? सौ की सीधी एक ही बात है, हमें कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना होगा और ये कंस्ट्रक्शन बंद करना होगा। तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है बोलो? बात क्या है? ये सारा कंस्ट्रक्शन आपको तुरंत रोकना पड़ेगा। क्यों? ये रिट पिटीशन का कॉपी है। है क्या इसमें? अपने सेठ से बोल, अपने लॉयर से पूछे। क्या है? अरे ये कोर्ट केस बोर्ड केस तो चलता रहेगा जी। इस इलाके का विधायक यानी के विधाता मैं हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। अगर काम रुक गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा, पैसा पानी की तरह लग चुका है। तुम इस बूढ़े गुरु का कुछ नहीं कर सकते? अगर तुम चाहो तो इस बूढ़े का इंश्योरेंस पॉलिसी मैं कभी भी मैच्योर करवा सकता हूँ, उसको धुएं की तरह गुम करवा सकता हूँ, लेकिन उसके पहले इसकी कुंडली जांच लेनी चाहिए। ये गुरु है कौन और उसका मकसद क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तब तक तुम रुको। रुकूं? हाँ। तब तक मैं अपना कंस्ट्रक्शन बंद कर दूं? अरे काम चालू रखो जीजी, मैं देखता हूं। रिट पिटीशन नोटिस आप मजाक समझते हैं? हुआ क्या? अब ये बेलिफ और सरकारी ऑफिसर्स हमारे गवाह हैं। स्टे ऑर्डर दीजिए। कंस्ट्रक्शन रोकने का नोटिस आपको दो हफ्ते पहले मिला और अभी भी आप काम कर रहे हैं, ये स्टे ऑर्डर को सीरियसली लीजिए। अब अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखा तो केस होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। देखिए वकील साहब, हम तो जमीन बना रहे हैं पार्क के लिए, फिर कैसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? स्टे ऑर्डर सारे कंस्ट्रक्शन पर है, अब ये पूरे इलाके में आप कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए हम आपस में सब सेटल कर लेते हैं, हैं? अभी सेटल कर लेते हैं, बंद करो सारा काम। आप स्टे ऑर्डर हटने का इंतजार कर सकते हैं, हम नहीं। ये बताइए कब लौटा रहे हैं हमारे पैसे? करंट सिचुएशन क्या है? देखिए आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, बस कुछ वक्त और। अगर 3 महीने में काम शुरू नहीं हुआ तो आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। अब क्या करोगे जीजी? कुछ ना कुछ तो करूंगा।
मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तुम क्या करोगी? अरे 10 जगह से पिया लाया है क्या? ठीक है छोड़ो। जी जी, ये गुरु तो साला गुरु घंटाल निकला। ये कौन है पता है? ये वर्धन इंडस्ट्रीज का मालिक है, श्रीनाथ वर्धन। इस गुरु से टक्कर लेना बहुत भारी पड़ेगा। एक तो स्टे ऑर्डर मिल गया, और दूसरी बात, ये वर्धन इंडस्ट्रीज के सामने हम तुम कुछ नहीं है। आज कह दिया पाटिल साहब, दोबारा मत कहना। 10 साल पहले मेरे पास 3,000 रुपए नहीं थे, और अगले 3 साल में मैं वर्धन इंडस्ट्रीज को गिफ्ट रैप करके आपको तोहफे में भेज दूंगा। अरे अरे अरे, गुड न्यूज तो सुनो पहले। जो आश्रम की जमीन है ना, वो सरकार ने इस गुरु के गुरु ऋषि वैद्यनाथ को 50 साल की लीज पर दी थी। वो लीज अगले साल खत्म हो रही है। तो वो फिर से लीज मांगेगा? मांगी है 50 साल। उसने दरख्वास्त भी दी है सीएम को, लेकिन सीएम ने मंजूरी नहीं दी और देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस सरकार को गिरते गिरते ये पाटिल ने बचाया था, और आगे भी पाटिल ही बचाएगा। जी जी, सिर्फ 1 साल, ये लीज खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। 1 साल? आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर 1 साल तक सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मेरी करोड़ों रुपए की मशीनरी सड़ जाएगी पाटिल। इसका क्या करूं? कबाड़ियां भंगार में बेचूं? करोड़ों रुपए पर ब्याज का मीटर डाउन है। अब हम क्या कर सकते हैं जी जी? कुछ तो करना होगा। उस पागल बुड्ढे की कोई तो कमजोरी होगी। बस उसकी कमीज का एक धागा मिल जाए तो उसके सूत को खींचकर साले को नंगा कर दूं। बस एक कमजोरी मिल जाए, एक कमजोरी।
पिघली उजली किरने चमकी जीवन दर्पण में छाव की अनबन हर दिशा का नाचे तन मन है सब कुछ नया नया मेरे मन मन मेरे मन मन मेरे 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 मन હોમી વાડિયા ગરમ છે આરામથી. હવે રહેવા દે ને, મારી એટલી બધી તું ને ફિકર ચિંતા હોતે ને તો અહીંયા આવીને સાધો સંત તો તું નહીં બનતે. મેં જાણતા થા કે તું વર્ધન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કો અચ્છી તરહ સંભાલોગે ઓર તુમને સંભાલા. હવે મસ્કા મારવાનું છોડની, બહુ થઈ ગયું. નાવ યુ લિસન ટુ મી, તેરા બેટા કો અચ્છી સ્કૂલ મેં સે નિકાલ કે તુને ઇધર પઢાયા. મેને કુછ બોલા નહીં, કુછ નહીં. વો બિચારા હોર્ટિકલ્ચર ઓર ટિશ્યુ કલ્ચર સીખ કર ક્યા કરેગા ઓર અપના મિલ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોણ ચલાયેગા. અબ મેં તેરા બેટા જયદેવ કો મુંબઈ લે જાકર બિઝનેસ સિખાઉંગા. હોમી મેં ભી યહી ચાહતા હું કે વો તુમ્હારે સાથ લગ જાય ઓર તુમ ઉસે બિઝનેસ કે સહી તોર તરીકે સિખાઓ. આખર જયદેવ ભી તો તુમ્હારા હી બેટા. અરે અરે બેટા, શું કરે છે? અહીંયા આવને બેસન, હમ તુમે મુંબઈ લે જાને કે લિયે આયે હૈ. જૈસા બાબા જી આયેગા, જરૂર આયેગા. અભી કુછ દિન તો મેરે પાસ રહેને દો, અભી તો આયા હી હૈ. હા હા, રહો રહો, લેકિન જલ્દી સે મુંબઈ આ જાઓ ઓર અપના બાબા કા કંપની કો સંભાલો. ધન્યવાદ. જયદેવ કો મુંબઈ જાકર બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ સીખના હોગા. પંડિતજી, માધવી ને ગ્રેજ્યુએશન કર લિયા હૈ ઓર મેને આપસે કઈ બાર કહા હૈ કે ઇસકે લિયે કોઈ અચ્છા સા લડકા ઢૂંઢે. કોઈ જરૂરત નહીં, મેં આપકો છોડ કે કહીં નહીં જાઉંગી. मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. चलो मानसी. बेटा, तुमने कल तीन लोगों को सिंगापुर ले जाने की बात की थी. जी बाबा. तो ले जाओ कुसुम को, भजनलाल को और माधवी को. जी. कितने दिन के लिए जाना होगा? हफ्ते दो हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी बाबा. अब टिश्यू लैब के लिए सिंगापुर इक्विपमेंट लेने तो जा ही रहा हूँ. मैंने सोचा साथ साथ तीनों को उसे चलाने और संभालने की ट्रेनिंग भी दे देते हैं. अच्छी सोच है. फिर तो तुम मुंबई में भी रहोगे तो यहाँ काम चलता रहेगा. जी बाबा. ये लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये सब कैसे सीख पाएंगे हम लोग? कहे उद्धव सुने माधव. ये जयते भी ना, सुनती जाओ उस लट्टू की गोल गोल बातें. क्यों एडवोकेट भजनलाल, एमएलएलबी इलाहाबाद, सिंगापुर आ रहे हो ना? अवश्य अवश्य. वेरी गुड. किंतु गुरुजी की आज्ञा हो और सरकार की अनुमति हो तो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ हर भारतीय नागरिक बिना वैलिड पासपोर्ट और वीजा के राष्ट्र की सीमा में रहने का अधिकारी है. किंतु सीमा विच्छेदन करना हो तो वैध अभय पत्र और दृष्टांक होना तो आवश्यक होता ही है. बस भजन, भजन बंद कर. मैं समझ गया. शुभम. शुभम सुन तो, जय मुझसे कह रहा था कि इससे भी बड़े बड़े 20 ग्रीन हाउस और बनाएगा, उसमें 5 लाख पौधे उगाएगा, वो भी सिर्फ 8 महीनों में और बारिश से पहले. और हाँ, वो ये भी कह रहा था कि तुझे, मुझे और भजनलाल को सिंगापुर जाना होगा ट्रेनिंग के लिए. आपसे कहा ना तो आप जाइए, मुझसे नहीं कहा, मैं नहीं जाऊंगी. जिसे ना जाना हो जाके गुरुजी से बात करे. वैसे कुसुम जी, जी एक बात बताइए, आप पेड़ पौधों के बारे में क्या जानते? यही के पेड़ पौधे हरे होते हैं. वाह, पेड़ पौधे हरे होते हैं. वैसे पेड़ पौधे लाल, पीले और नीले भी होते हैं. हाँ. पेड़. मित्र जयदेव, आप पेड़ की नामावली से परिचित हैं? गिनिए. जी. पादप, साखी, तरु, विटप, वृक्ष, साल, नग, जान, पत्री, वन्नी, डाली, द्रुप, द्रुम, गाच, बखान. कितने? 16. और झाड़, झंक. भजन लाल, भजन संध्या यही समाप्त हुई. शुभम. इति शुभम. 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 बेटा, तुम्हारा मुंबई जाकर बिजनेस सीखना जरूरी है और होमी को रिटायर भी तो होना है ना. पर बाबा, आपका सपना. तो तुम्हें मेरा सपना याद है? एक ही तो सपना है आपका बाबा, इस पूरे उजाड़ बंजर इलाके को हरा भरा और खुशहाल देखना. बाबा, मैं लाखों पेड़ लगाकर आपका सपना पूरा करूंगा.
उसी दिन का तो इंतजार है बेटा मुझे। आज मैं तुम्हें बिजनेस का अपना एक मूल मंत्र समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, दुनिया को कुछ देने की शक्ति सिर्फ अच्छाई में है, क्योंकि बुराई सिर्फ छीनना और लूटना जानती है। चोर, डाकू, शैतान सिर्फ दूसरों से छीन सकते हैं, वो कुछ दे नहीं सकते सिवाय दुख के। तुम जब भी किसी इंसान से मिलो तो उसे लेन देन के इसी तराजू पर तोलना, परखना कि वो कुछ दुनिया को देने निकला है या छीनने। लेकिन बाबा, अगर सिर्फ देते रहेंगे तो कमाएंगे कैसे? बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज की बेहतरी के लिए खर्च करो। फिर तुम्हें अपनी कमाई का सही मकसद और समाज का स्नेह मिलेगा, और समाज का यही स्नेह तुम्हारी असली कमाई होगी, सच्चा धन होगा। समझे बेटे? जी। निकरा, मैं तेरे पापा का बड़ा क्रिटिक हूं, पर असल में उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं। कौन आदमी है आज के दिन में जो इतना सारा पैसा छोड़कर गरीब आदिवासियों की सेवा करेगा? जी। बाय। बेटा, 30 साल पहले जब तुम्हारे पिताजी ने ये इंडस्ट्री शुरू किया, तब मेरे पास इस कंपनी के 25% शेयर्स थे। ये अलग दुनिया है बेटे, ये है बिजनेस की दुनिया। यहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हम रुई को रुपये में बदलते हैं। बिजनेस की मूल बात यही होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में सबसे बेहतर हो और उसका भाव सबसे उचित हो। ये तुम्हारे पिताजी की सोच और फिलॉसफी रही है। इसी को पाने के लिए हमने यहाँ सबसे मॉडर्न मशीनरी लगाई है, जिसे मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो सके। आखिर में बिजनेस में कामयाबी इस पर है कि आप अपने मैन पावर को कैसे संभालते हैं। अब इस कंपनी को आगे ले जाना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ दिस इज द एनुअल रिपोर्ट, प्लीज स्टडी इट। एक्सलेंट प्रेम जी, मैं जानता था कि आपके बहुत सारे धंधे हैं, लेकिन ये वर्धन इंडस्ट्रीज की डीलरशिप, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। आप इस जयदेव वर्धन से मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकते हैं? अरे 20 साल से मैं अपने शोरूम में उनकी मिल का कपड़ा बेचते आया हूं, और तुम एक मीटिंग के बारे में पूछ रहे हो? मीटिंग फिक्स हो गई समझो। बाय द वे, इस जयदेव वर्धन का कोई दोस्त वोस्त है बंबई में? अभी तो आया है बॉम्बे, और वैसे भी यहां उसका कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास अगर उसका फोन नंबर होता तो अभी मीटिंग फिक्स करा देता। प्रेम जी, इसे जरा अर्जेंट समझिए। हो जाएगा जी। जी थैंक्स। सम मोर कॉफी प्रेम जी? नहीं, मैं चलता हूं। जीजी का आइडिया बहुत अच्छा है। बात आप लोगों की है, आप खुद तय कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू प्रेम जी। थैंक्स की क्या बात, मिलते हैं। ओके, सी यू। जयदेव वर्धन इंडस्ट्रीज देश में सबसे अच्छा कपड़ा बनाती है। थैंक यू। लेकिन ये बात जानता कौन है? आप एडवर्टाइजिंग ही नहीं करते। आपकी बात सही है, लेकिन हम जितना भी कपड़ा बनाते हैं बिना एडवर्टाइजिंग के सब बिक जाता है, तो फिर हम एडवर्टाइजिंग पे पैसा क्यों खर्च करें? वही तो बता रहा हूँ। आप अपना सबसे अच्छा कपड़ा कितने में बेचते हैं? समझिए 1000 रुपये पर मीटर। जी। अगर उसी कपड़े को फैशन लेबल दे दिया जाए जैसे अरमानी, YSL, तो उसी कपड़े की बनी हुई पैंट कम से कम 10,000 रुपये की बिकेगी। आपका मुनाफा 10 गुना ज्यादा। मिस्टर जी जी। वाला, दिस इज एश्टन रागा, इंडियाज़ टॉप मोस्ट डिजाइनर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। सिट सिट, कॉल मी रागा। जयदेव वर्धन। जयदेव वर्धन, मैं इनसे कह रहा था कि कहना क्या है जी जी, जिस चीज पर हाथ रखता है वो सोना बन जाता है। Constructions, travel, exports, you name it. इसलिए वर्धन टेक्सटाइल्स को एक फैशन लेबल देना चाहता हूँ। वाला, सारा फाइनेंस मेरा होगा, डिजाइन्स रागा के और कपड़े वर्धन के, क्या कहते हो? पुराना माने तो एक सवाल पूछूं, और भी तो टेक्सटाइल मिल्स हैं जो एडवर्टाइजिंग नहीं करते, फिर आप मेरे ही पास क्यों आए? हर बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का अपना एक फैशन लेबल है,
और फिर मैं किसी भी फर्टीचर कंपनी के साथ जुड़ जाऊँ तो न्यूज़ क्या बनेगा? यहाँ जीजी पहली बार फैशन की दुनिया में कदम रख रहा है। न्यूज़ टॉप डिज़ाइनर आगा के साथ, बिगर न्यूज़ वर्धन टेक्सटाइल्स के साथ, फ्रंट पेज हेडलाइंस। जयदेव, मुझे सिर्फ तुम्हारा मटेरियल चाहिए, वो भी क्रेडिट पे। उसकी जगह मैं तुम्हें 1/3 पार्टनरशिप दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ प्रॉफिट में। लॉस मेरा, सिर्फ मेरा। आपका ऑफर वाकई बहुत अच्छा है, मैं अंकल वाडिया से बात करके आपको बताता हूँ। देखो जयदेव, फैशन यंग लोगों का है, आज की जनरेशन, यंग माइंड्स, उसी ये अंकल वाडिया जैसे लोग नहीं समझेंगे, इसलिए तो आज तक उन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं की। तुम्हारी तारीफ सुनी थी इसलिए तुम्हें कॉन्टैक्ट किया। मैं डील सिर्फ तुम्हारे साथ करूँगा, वैसे वर्धन इंडस्ट्रीज तो तुम लोगों का है, फिर ये अंकल वाडिया? अंकल वाडिया मेरे फादर के पार्टनर हैं। और तुम्हारे पिताजी मिस्टर वर्धन? मेरे पिताजी वो अब बिजनेस नहीं संभालते। अच्छा, ओके, लेट्स हैव लंच, यहाँ स्टेक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सॉरी, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता। तो वेज भी अच्छा ही मिलता होगा। हेलो, ए वाला, हेय, आ द सुपर मॉडल इज हियर। हाय रागा। जयदेव वर्धन, हाय, इंडस्ट्रियलिस्ट जी, बट यू लुक लाइक अ मॉडल। हाय जयदेव। हाय, मैं तुम्हें जय बुलाऊं? यप, श्योर। नैट्स, जीजीज फैशनेबल आइडिया, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो कब शुरू कर रहे हो? जब जयदेव बोले तब। जयदेव नहीं, जय। वाला। सॉरी, ये वाला वाला क्या है? वाला मींस, वाला मतलब, वाला इज वाला बेटर मेन्यू। ओनली इन प्रॉफिट। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जरा सोचिए अंकल, हर टॉप टेक्सटाइल कंपनी का अपना फैशन लेबल होता है। मैं जानता हूँ अंकल, इसी फैशन लेबल की वजह से वो लोग वही कपड़ा दुगने तिगने दाम पर बेचते हैं, जिससे उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैंने सब पता लगा लिया अंकल। आदमी लोग ठीक है? प्रेम जी भाई ने क्या कहा? हा? प्रेम जी भाई ने कहा लोग बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो खुद उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दिकड़ा, मैंने कभी एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं की। अब से ये कंपनी तुमको संभालना है, तेरा दिमाग बोलता है बरोबर है, तो बस गो अहेड। सबसे पहले एक ब्रांड नेम तय करना होगा। मेरी मान लो मनाली इज अ ग्रेट नेम। ये फैशन लेबल है या चरस का अड्डा? कम ऑन, मनाली वर्क्स। गॉट इट। वा फॉर वर्धन और गा फॉर गौरव एंड रागा। वागा, वागा, जीजी दैट्स ब्रिलियंट। वागा बाय रागा, इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक वायाग्रा इन फ्रेंच। फैशन वर्ड का एक ही प्रॉमिस होना चाहिए, क्वालिटी। क्वालिटी रागा है तो क्वालिटी है, वर्धन टेक्सटाइल्स है तो क्वालिटी होगी ही। आई थिंक वी शुड सेल समथिंग डिफरेंट, डोंट यू? आई थिंक वी शुड सेल सेक्स। वागा फैशन वेयर शुड मेक यू फील सेक्सी एंड मैचो। कम ऑन रागा, एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है। ओके, यू आर राइट, एक ही चीज बोलते हैं, लेट्स सेल सेक्सी। सेक्सी नहीं, सेक्सी नहीं प्लीज, ये बहुत वल्गर वर्ड है सेक्सी। सेक्सी मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव, हिप। हाँ, वो हिप, वो जो भी, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करना चाहिए। मिडिल क्लास को ब्रांड नेम की नहीं, सिर्फ पहली तारीख की चिंता होती है, मेरे कुतुब मीनार। हाँ वो एक सेकेंड रागा, ये मुझे कुतुब मीनार क्यों बुला रहे थे? जीजी को जो भी शख्स अच्छा लगता है उसको मनपसंद इमारत का नाम देता है। और आपको क्या बुलाते हैं? गेस करो। आईफिल टावर। वाला, वाला। हमें वागा फैशंस को हाइप करना होगा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं, पार्टीज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैम शोज, विमेन, वाइन एंड मनी। क्यों जी? जी इसी से न्यूज गर्म होती है। मीडिया से कैसे डील करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस वक्त तुम्हारे दो ही मकसद होने चाहिए, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। ये दो चीजें जवानी में ही जमकर होती हैं। लेकिन जवानी तो काम करने के लिए है ना? और पार्टी और डिस्कोस का असली मजा तो बुढ़ापे में है। हाँ, जब मैं 16 साल का था, कैम्सफर्ड क्लब दिल्ली, मेरे बाप ने मेरे हाथ में बियर थमाई और कहा, बेटा आज के बाद कोई भी चीज छुप कर नहीं करना। हाय गाइस। हेलो। हाय। हाय जय। हाय। तुम हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं,
लिसन, हमें क्विकली पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू करना चाहिए। कम से कम 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है दोस्त। वागा फैशन की एक भी चीज 1000 रुपए के नीचे नहीं बिकेगी, चाहे एक रुमाल हो या एक मोजा। नथिंग, आई हैव अ रेपुटेशन मैन। लेकिन 1.5-2 करोड़ रुपए का कैंपेन, लोगों के दिमाग में सस्ता मतलब घटिया। अरे यार, पैसा मेरा लग रहा है, टेंशन तुम लोग ले रहे हो। एग्जैक्टली। नताशा, कौन सा एड फिल्म मेकर ठीक रहेगा? अगर पूरा कैंपेन कराना है तो ठक्कर को लो। दिस इज द फी, दैट्स इट गाइस। बे वॉच कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। हमने बे वॉच शूट करना है, कई सारी लड़कियां बीच पे नाच रही हैं। कॉस्टिंग, कॉस्ट क्या? साधारण मॉडल, एक मेल मॉडल, जॉन इब्राहिम को ले लेंगे। शूटिंग बाली या थाईलैंड, वन ऑफ दोस एक्साइटिंग प्लेसेस। आई थिंक 70-80 लाख से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन विदेश में ही क्यों, हिंदुस्तान में भी तो समंदर है मेरे दोस्त। अच्छी एडवर्टाइजिंग ऐसी तो होती है। नहीं तो 2 कमीज के पिक्चर निकालो और पेपर में चिपका दो, वो भी तो हो गई एडवर्टाइजिंग। रागा, देखो ब्रदर, सी द फिल्म हैज टू बी सेक्सी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रियली एक्साइटेड। ऑल राइट, लेट्स गो। यू नो, साथ नहीं दोगे? इसमें नहीं। बहुत माप तोल के साथ देते हो। शाम को क्या कर रहे हो? अरे जस्ट डांसिंग यार, स्टूपिड। आर यू ओके? या हाथों पे नाचना आता है, सीख लो, क्योंकि कल तुम्हारी दोनों टांगे नहीं रहेंगी। आई एम सॉरी जीजी, मुझे नहीं मालूम था ये आपके साथ है। आई एम रियली सॉरी। इसको बोल आई एम सॉरी गाइस, वेरी सॉरी, माय फॉल्ट। जीजी, जय थाईलैंड नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आगे क्या करूंगा जीजी। अरे यार, एड का पूरा कैंपेन शूट होने जा रहा है और तुम पार्टनर हो मेरे। हाँ जीजी, लेकिन मैंने कहा था ना, मुझे बहुत जरूरी काम से सिंगापुर जाना है। हाँ मैंने पता किया, तुम्हारे लैब की पूरी ट्रेनिंग थाईलैंड में भी होती है और लैब का पूरा इक्विपमेंट मैं इंपोर्ट करा लूंगा। चल, आज से अपना प्रोग्राम उस पर छोड़ दो। ठीक है, अब लेकिन मेरे साथ 2-3 लोग और आएंगे। अंकल आंटी टाइप नहीं होंगे ना? नहीं, अंकल आंटी टाइप। ग्लास उठाओ, लेट्स टोस्ट। क्यों? अरे जय, तू तो छा गया, पेज 3 पर आ गया, आज तो सेलिब्रेट करना ही है। कम ऑन, हे, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स टोस्ट। अरे लो यार, मैं नहीं पीता। अरे दोस्त, ये शैंपेन है, शराब नहीं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चिल। कोई ना नहीं कहता, कम ऑन। काम का शर्मा था। चीयर्स। वाला चल अकेला। अरे जयदेव भैया, शुभम। अरे भजनलाल भैया, शुभम, बैठिए बैठिए। अच्छा तो ये है वो पाटिल के कंस्ट्रक्शन का काम। अरे इतना ही नहीं, वहां पहाड़ी के पीछे तो और भी काफी काम लगा हुआ था। कहाँ पीछे? लेकिन फिलहाल सब रुका हुआ है। अच्छा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भैया, विदेश यात्रा में मात्र स्पनेही का अभाव था, आज वो भी पूर्ण हो गया। अच्छा, कैसे हैं? ये बहुत अच्छे हैं। शुभम, मुंबई के क्या समाचार है? हाँ बस सब ठीक ही है, अच्छा काम चल रहा है। अरे मित्र जयदेव, वो ग्रीन हाउसेस के लिए 10,000 लीटर के 8 टैंक लगवा दिए हमने। चल अच्छा। प्रणाम बाबा। बेटा, अपने बुजुर्गों को याद रखना एक अच्छी संस्कारिक परंपरा है। वक्त के साथ इंसान कभी कभी बहक जाता है, उस वक्त बुजुर्गों का आशीर्वाद और संस्कार ही उसे संभालते हैं। जयदेव, तुम्हारी मां जहां भी होगी, हर पल तुम्हें आशीर्वाद देती होगी।
ये अच्छा तरीका है किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने का। उसे छेड़ते रहो लेकिन उससे बात ना करो, उससे दूर दूर रहो लेकिन दिखते भी रहो। अब और क्या क्या करोगे? हाँ हे पॉपिन, अब तक बिल्कुल वैसे ही हो पॉपिन की तरह, दुबली पतली, कभी बदलोगी नहीं, जितना भी खींचो फिर वापस वैसे। लट्टू तुम भी कहाँ बदले हो, जब देखो घूमते रहते हो लट्टू कहीं का। अपना काम करो ना, मुझे अपना काम करने दो। ये तुम इतना भाव क्यों खाती हो? हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ बोलो ना क्या प्रॉब्लम। तो संभावना क्या है कि हम यहाँ पर एक रास्ते से हटो। तो भजनलाल मैं वो क्या कह रहा था कि मुंबई जाकर अपनी बुद्धि खो दिए। अरे भाई तुम दोनों क्यों हमेशा आपस में लड़ते रहते हो? अब कम से कम विदेश यात्रा से पहले तो संधि कर लो, समझौता, अकॉर्डिंग टू लॉ सीज फायर। करेक्ट, जो हो कायर वही करे सीज फायर। हटो। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम लड़की नहीं लड़ाकी हो, इसलिए भजनलाल मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको अपने साथ थाईलैंड लेके नहीं जा रहा हूं। तो ना ले जाओ और जाकर गुरुजी से भी कह दो। अरे लट्टू यानी मित्र हम सिंगापुर नहीं जा रहे? नहीं थाईलैंड। थाईलैंड? हाँ थाईलैंड, हाँ सुना है वो इंग्लैंड पोलैंड हॉलैंड आयरलैंड। शुभम। हाँ शुभम। लेकिन जयदेव जी हम लोग जा कब रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि विमान उड़ने के लिए तैयार है। Believe this man. तेरे दोस्त कुतुब मीनार के साथ तीन और मीनार? तो हो गए ना चार मीनार। लगता है डांडी मार्च पे निकले। पर ये कुतुब मीनार इतना परेशान क्यों लग रहा है? हाँ बात करता हूँ, रुको। जी जी एक प्रॉब्लम है, इन लोगों का बैगेज नहीं मिला। मेरा भी बैगेज नहीं पहुँचा। लकी गर्ल अपनी फेवरेट हॉबी पे लग जाओ, शॉपिंग। नहीं है, वैसे ग्राउंड स्टाफ कह रहा था कि एक दो दिन में सामान मिल जाएगा। एक दो दिन? और तब तक हम क्या करेंगे? अब जो तन पर है यही बचा जाते भैया, हमारा तो सर्वस्व लुट गया ना। सर्वस्व? एवरीथिंग। दो जोड़ी कपड़े, तेल की शीशी, अंतर्वस्त्र। अंतर्वस्त्र? अंडरवेयर। आ वाला चले या सबको अपने अपने कमरे मिल गए? हाँ सबको कमरे मिल गए। Everybody's got their rooms. Wow. Wow, lobsters. Hey, tiger prawns. And shells. ये गंदा खाना हम नहीं खाएंगे। नहीं फिक्र मत करो, मैं तो ये देख भी नहीं सकती, चलो यहाँ से। क्या हुआ, खाना देखकर पेट भर गया? नहीं एक्चुअली देखिए हम ये नहीं खाएंगे, हम तो इसे छू भी नहीं सकते, ये सब अशुद्ध और अपवित्र है। अपवित्र मतलब हम इन चलते फिरते उड़ते तैरते जीवों का भोजन नहीं कर सकते श्रीमान। अच्छा ठीक है भजन, हम एक काम करते हैं, वहां पर फल हैं, हम फल खा लेते हैं। फल? अरे फल खा खा कर हमारा पेट फूल गया जयदेव भाई, देखिए ये जल और फल खा पी कर हम सब उब चुके। हाँ, हमें सिर्फ अन्न चाहिए भाई, रोटी चाहिए, एक दाल तड़का चाहिए। अच्छा ठीक है कुछ हो जाएगा, मैं ढूंढता हूँ। ओके मैं ढूंढता हूँ सूखी। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। हे भजन लाल अपने फ्रेंड्स को बुलाओ। जी कुसुम जी माधवी जी आइए। आज्ञा देवी। यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। ये कपड़े कहाँ, ये तो चीथड़े हैं। यहाँ कपड़े मिल रहे हैं, आप लोग खरीद लीजिए। ये कपड़े? ऐसे कपड़े हम लोग कैसे पहन सकते हैं? यहाँ कहीं साड़ी नहीं मिलेगी? यहाँ साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता कुछ नहीं मिलेगा, जैसा देश वैसा भेस। बाकी के लोग जो पहन रहे वो पहन लीजिए, बस दो चार दिन की बात है। हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। जो कपड़े यहाँ हैं वही पहनने पड़ेंगे, वैसे भी तुम्हें यहाँ कौन जानता है। परंतु नताशा जी जो खुशी धोती में है वो और कहीं नहीं। वो कैसे? एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए जैसे हवा और रोशनी के आवागमन के लिए घर में खिड़की होती है,
उसी प्रकार शरीर में हवा और पानी के आवागमन के लिए धोती होती है। चलिए चलिए, आप लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार। आइए कमला जी, चलिए जल्दी कीजिए। चले। लेकिन भजन लाल जी, ऐसे कपड़े, निर्वसन नग्न सभ्यता है, क्या करेंगे। आइए। आपने तो खाना खा लिया होगा। हमारे खाने की किसको फिक्र है। नहीं, मुझे है ना। अब वैसे मैंने भी खाना नहीं खाया है। एक काम करते हैं, मैं 2 मिनट में भूख हड़ताल वालों को खाना खिला कर आता हूँ। ओके ओके, कम। जयदेव, सबका सामान आया, हमारा कैसे नहीं आया? देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो... अरे यार, अपना अकॉर्डियन बंद कर, ऐसी बात नहीं है। नताशा का भी तो सामान नहीं आया, वो तो आप लोगों की मदद कर रही है, कुछ भी नहीं कह रही। जय, यहाँ पे सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और तुम भी। मैं मजाक? हमें कमजोर और मजबूर मत समझो जयदेव, ये सब तुम्हें मिल गए है ना, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं? दीदी मैं सब समझती हूँ, ये सब लोग पीठ पीछे हम पे हंसते हैं और ये इनका साथ दे रहा है। मैंने? माधुरी, अब सॉरी। चलते हैं। अरे खाना मिलता है तो उसे अपना नसीब समझ के खाना चाहिए। खाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा। छोड़ो ना। क्या नाम है उसका? माधवी। उसे समझाओ, हमेशा से इंसान वही खाता है जो उसके आसपास मिलता है। अब रेगिस्तान में रहने वाले लोग क्या रोज पालक गोभी खाएंगे? हम बंगाली मछली चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि वो बंगाल में मिलता है। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, हर चीज को मुद्दा बना देते हैं। एक काम करो ना, प्लीज प्लीज यही बात उन लोगों को समझाओ। समझाना तुम्हें पड़ेगा। अब मैं उनके लिए जो भी कपड़े खरीदूंगी उन्हें पहनना होगा। धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां, धीरे धीरे जगे नए अरमां, धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां, धीरे धीरे जगे नए अरमां, धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो। धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां, धीरे धीरे जगे नए अरमां, धीरे धीरे जगे नए अरमान, धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो। धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां, धीरे धीरे जगे नए अरमान, धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां, धीरे धीरे जगे नए अरमान, धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो।
धीरे दिल जाने लगा, धीरे धीरे कोई भाने लगा, धीरे धीरे दिल जाने लगा, धीरे धीरे कोई भाने लगा, धीरे धीरे हर नर नर ना भी हो गई देखो धीरे धीरे हो दिल ये जवा, धीरे धीरे जगे नए अरमा, धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो जय, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भजनलाल जी का मॉडलिंग का इरादा है? कुसुम जी, जी भाई, जीवन का आनंद लेने में कोई पाप नहीं है। ऐसा गुरुजी ने कब कहा? गुरुजी ने नहीं, जय जी ने। ओ, तो आपके नए गुरु जयदेव जी हैं। शुभम, शुभम, चलिए। शुक्रिया। झूठे हो तुम। क्या हुआ? तुमने झूठ क्यों कहा कि यहाँ साड़ी नहीं मिलती? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो यहाँ पहली बार आया हूँ। उस हिंदुस्तानी औरत ने कहा पासी में दुकान है, कम से कम ऐसे कपड़े नहीं पहने पड़ते। अब उसके साथ क्यों झगड़ा कर रही हो? इसका क्या कसूर है? और वैसे भी कितने सारे कपड़े खरीदेंगे हम लोग। और वैसे भी तुम्हारे हाथ क्या मोम के बने हुए हैं कि कोई देख लेगा तो नजर लग जाएगी और पिघल जाएंगे। Now relax, come on यार। कितने बदल गए हो तुम। तुम सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, जुआ खेलते हो, उन लड़कियों के साथ घूमते रहते हो। अरे मैं जो भी करूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बिगड़ रहे हो जयदेव, और मैं चुप रहूं। मैं बिगड़ू तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिगरेट पीऊँ, मैं शराब पीऊँ तो कैसे लगेगा जयदेव? तुम नहीं रोकोगी मुझे? तुम मुझे सुधारने आई हो? प्लीज, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी को पता चल गया तो? धमकी दे रही हो मुझे? गुरुजी को बताओगी? लो बताओ, लो माधी। तो आज भी है कि नहीं क्रिकेट पर बैटिंग? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान के दो ही तो मैच बचे हैं। कल मैं 1,00,000 जीता और कुतुब मीनार 50 हारा, आज उसको जिताना है। Hey guys, so basically it's a visual piece. John Abraham and the Babes, John and Natasha Dunson, John and Rhea Seacrest. End with those second, Vaga fashions, irresistible. And the rest is just oomph, oomph, oomph. He's good. Ooh, we're almost set, ready to roll. John Abraham का है? There's a problem. Production ने कहा कि John airport से नहीं निकला है। Oh, fuck. Damn. तुमने उससे बात नहीं की? हाँ, कल शाम को बात तो की थी। वो airport के लिए निकलने भी वाला था। But I don't know. Phone है? उसके manager को phone करती हूँ। Hello, Bhaskar. Natasha. Hey, guys. John कहाँ है? What? भास्कर, you've got to do something. क्या हुआ? जॉन को फूड पॉइजनिंग हो गया है, हॉस्पिटल में है, और ठीक होते होते 3-4 दिन लग जाएंगे। इस ट्रिप पे इतना खर्चा हो गया, क्या करें ठक्कर? इंडिया से किसी भी मॉडल को आते आते 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। हे रागा, तूने यहाँ कोई इंडियन लुकिंग मॉडल देखा है क्या? अरे यार, हाथ में है हीरों का हार और हम ढूंढ रहे हैं जवेरी बाजार। मॉडलिंग करोगे कुतुब मीनार? जय, That's a brilliant idea. Oh yeah. You're good. You must try. Yeah, he's very good. मैं नहीं, मैं modeling नहीं. Come on. Give it a shot. असलिया, अब serious हो जाओ. करोगे? जी जी, मैं modeling नहीं कर सकता. I mean. Business के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो modeling में क्या है? या लेकिन I mean seriously, जी जी, मैं नहीं 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 कर रहा हूँ. Come on. ठीक है, पैक अप करो, वापस जाने की टिकट्स बुक करो। सॉरी यार, बिजनेस शुरू होने से पहले ही नुकसान हो गया। एनीवेज, नुकसान तो सिर्फ मेरा है।
धीरे जगे नए अरमा, हाय धीरे धीरे हुआ दिल ये जवान, धीरे धीरे जगे नए अरमा, धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो हा हा हा। सपनों का महल बनाए नए नए दिन है नई रातें नए नए किस्से नई बातें नई नई पहचान है सबसे नई नई सारी मुलाकातें धीरे धीरे गई दुनिया बदल धीरे धीरे बदला हर पल धीरे धीरे गई दुनिया बदल धीरे धीरे बदला हर पल धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो हाँ हाँ समझाए इसको काबू में लाए दिल की बाजी क्या जीती रोज नए दाव लगाए कोई इस दिल को समझाए इसको काबू में लाए दिल की बाजी क्या जीती रोज नए दाव लगाए धीरे धीरे नए दौर चले धीरे धीरे नए तौर चले हे धीरे धीरे नए दौर चले धीरे धीरे नए तौर चले धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो हाँ हाँ हे धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां धीरे धीरे जगे नए अरमा और धीरे धीरे हुआ दिल ये जवां धीरे धीरे जगे नए अरमा धीरे धीरे हर ना 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 भी हो गई देखो हाँ Well, how should I explain about acting? You know, acting is... acting is like betting. AJ, huh? क्या लगता है कौन जीतेगा? पता नहीं, कह नहीं सकते. फिर भी अंदाज़ा? मुझे भी लगता है इंडिया ही जीतेगा. क्या ग्रेट गैम्बलर रागा, तू क्या कहता है? मैं अभी नहीं, सही वक्त पर बताऊंगा. यही सही वक्त है यार. हाँ इरफान भाई, क्या रेट चल रहा है? 10 लाख आता हूँ. जी जी, आज मत खेलो ना यार, कल ही तो हारे थे. जिंदगी में हार जीत के बिना मजा ही क्या है? ओह गॉड, अब क्या लगता है? मुझे तो लगता है अभी इंडिया ही जीतेगी. ठीक है, तुम्हारा इंडिया पे लगा देता हूँ. नहीं जी जी, मैं अब और जुआ नहीं खेलूंगा. क्या यार, बात बात पे इज्जत का कबाड़ा कर देते हो हर चीज में ना. चल यार, कूल है जी जी. अच्छा अब चलो जी, मैं भी खेलता हूँ. कितना लगाऊं? वो 10,000. 10,000? खेल रहे हो या मजाक कर रहे हो? इरफान भाई. हाँ जी जी, 10 लाख और खाओ. अरे जी जी, इतना नहीं. कम ऑन यार, वर्धन इंडस्ट्रीज के मालिक हो, 10-15 लाख तो खेलो. जी जी, मैंने तो 10 लाख रुपए कभी देखे भी नहीं है यार. मैं गारंटी लेता हूँ अपने प्रॉफिट से निकल आएंगे. कम ऑन जय. अच्छा ठीक है, मैं भी खेलता हूँ. क्या बात है जय. That's the spirit boy. हाँ, 10 लाख जयवर्धन. हाँ अरे इरफान भाई, मेरा पार्टनर है, मैं गारंटी लेता हूँ. हाँ हाँ इरफान भाई, ओके.
कितनी शांति है ना यहाँ। कभी कभी तन्हाई में भी एक अलग सुकून मिलता है। दुनिया की तकलीफों से इतनी दूर हो फिर भी परेशान हो। मैं तुम्हें परेशान दिख रही हूँ? या तो किसी की सोच में हो या परेशान हो, और परेशान नहीं हो तो किसी की सोच में हो। मैं ना अभी परेशान हूँ ना कभी रहूंगी। परेशान तो वो होते हैं जो कुछ गलत करते हैं। बात सोचने की है। चलो आज रात इसी सोच के साथ सो जाओ। शुभम। शुभम। गोल्डन गेट सिटी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपया है। 20,000 crores। आप NRIs के लिए हिंदुस्तान में एक अपना घर, एक सारा इलाका सिर्फ NRIs के लिए, 2-3 bedroom के सुंदर बंगले, एक टोटली प्लान्ड, फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस शहर 5-star फैसिलिटीज के साथ, और एक बंगले की कीमत 50 lakh से 2.5 crore रुपया। ब्रोशर में सारी डिटेल्स हैं। मिस्टर जीजी, आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है? कंस्ट्रक्शन का पहला फेज अम्यूजमेंट पार्क, क्लब और गोल्फ कोर्स के साथ शुरू हो चुका है। मुंबई से 3 घंटे की दूरी पर हम आपको एक स्वप्न नगरी दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं के साथ। क्योंकि इस जगह का नाम सोनगढ़ है, हमने शहर का नाम गोल्डन गेट सिटी रखा है। नाउ इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, दैट्स इट। थैंक यू जेंटलमैन। तुम क्या कह रहे हो कि तुम गुरुजी के बेटे हो? हाँ। ऋषिवन के गुरुजी तुम्हारे पिताजी हैं। और वर्धन इंडस्ट्रीज? देखो मैं समझाता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीनाथ वर्धन है। वर्धन इंडस्ट्रीज उन्होंने ही शुरू की थी। फिर कुछ साल पहले वो ऋषिवन आश्रम चले गए, तब से होमी वाड़िया जो उनके पार्टनर हैं वही बिजनेस संभालते हैं। मैं तो इस प्रोजेक्ट में भी तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता था, पर कंस्ट्रक्शन पर स्टे सारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। तुम्हें कैसे पूछता, अपने साथ तुम्हें थोड़ी बर्बाद होने देता। पर ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। इत्तेफाक देखो, हम दोनों को मिला दिया। अब ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट और मुझे दोनों को बचा सकते हो। गुरुजी को कहके स्टे हटवाओ और मेरे पार्टनर बन जाओ। इसमें हम दोनों का फायदा है, फायदा ही फायदा है। कुछ तो बोल। फायदे की बात नहीं है जीजी, मैं तुम्हारी मदद करूं मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या? आश्रम से निकलते वक्त मैंने बाबा से एक वादा किया था कि वहां लाखों पेड़ लगाऊंगा। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि उनमें से एक पेड़ भी नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हर एक पेड़ जो काटूंगा उसकी जगह 2 लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स। व्हाट अ थैंक्स। आश्चर्य, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा चमत्कार देखूंगा। एक पौधे से 100 पौधे बनेंगे। विदेश में सब कुछ ठीक ठाक रहा ना? जी। तो जाने के वक्त जो चहक थी वो अब क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? पुरोहित जी, एक उलझन है। बताइए, क्या जीवन का आनंद लेने में कोई पाप है? आनंद? हाँ। कैसा आनंद?
अगर तुम्हारे आनंद लेने से किसी और को तकलीफ हो तो वो क्या आनंद, कैसा आनंद? अब उलझन क्या है? नहीं, अब कोई उलझन नहीं है। सुना तुम लोगों ने, उलझन सुलझ गई है। भजन जी, मेरी भी एक उलझन है। जयदेव गुरुजी से मिला ने किसे ले आया है? पुरोहित जी, ये उलझन नहीं महाउलझन है। ये जयदेव का नया पार्टनर है और विदेश में पता चला कि यही उस पाटिल का वो बिल्डर है जिसके विरुद्ध गुरुजी ने स्टे ऑर्डर लिया है। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली, पर मामला काफी आगे बढ़ चुका है। मैं भी चाहता हूँ कि इस इलाके की तरक्की हो या लोगों को काम मिले, यहाँ प्रगति और विकास हो, लेकिन जो आदिवासी यहाँ से चले गए हैं, उन हजारों आदिवासियों की जिंदगी का सवाल आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। उनका भविष्य क्या है? बाबा, जीजी यहाँ पर एक आईटी सेंटर खोलना चाहता है। उसने वादा किया है कि जितने भी आदिवासी गए हैं उन सबको वापस लेकर आएगा और काम भी देगा बाबा। बस अब आपको स्टे ऑर्डर हटाना है। बेटा, मैं इनकी मुश्किल को समझ रहा हूं, पर गुरुजी, ये सब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं यहां एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूं जो इस देश में ना हो, जहां एक भी झोपड़ा ना हो, भिखारी ना हो, सारे शहर में कहीं गंदगी ना हो, पान की थूक का एक छींटा ना हो। बताइए, ऐसा कोई शहर है इस देश में? ये बात आपको बताने की मैंने कितनी कोशिश की, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि छह मिल गया। बस आप मुझे अपना काम करने दीजिए और मैं आपकी हर बात मानता जाऊंगा। आपकी योजना क्या है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, बस थोड़ा सा सोचने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। बेटा, अपने दोस्त को छोड़ाओ। जी बाबा। इतनी शुभ। आओ जी जी। ऋषि देव जी, मेरे परीक्षा के दिन आ गए, रावण साधु का भेष बदल कर आया और मेरा बेटा उसे पहचान नहीं रहा, उस अन्याय का साथ दे रहा। ऐश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे ईश्वर, मुझे शक्ति दे। दिल फिसलता, दिल समलता, दिल इसलिए
ये दिल का दिल पिघल होगा दिल के दिल की किसने सोचा कि इस दिल ने दिल ही दिल में दर्द दफना है समूचा तड़पता कोई न इतना तड़पता कोई न इतना हाय जितना जितना दिल मरहबा ऐ जितना दिल है जितना दिल है जितना दिल मरहबा ऐ जितना दिल है जितना दिल है जितना दिल मरहबा ऐ जितना दिल है जितना दिल है जितना दिल हैप्पी बर्थडे थैंक यू अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही सिर्फ अच्छी लग रही हूँ बहुत अच्छी लग रही सिर्फ बहुत अच्छी लग रही ओके बहुत अच्छी लग रही तुम्हारे बाबा ने क्या कहा अब तक जवाब नहीं दिया जीजी मतलब वक्त लगेगा कुतुब मीनार को बनने को दो बादशाहों का वक्त लगा था कहीं उतना वक्त तो नहीं लगेगा होमी जो लोभी होता है ना वही ठगा जाता है तुमने जीजी से पार्टनरशिप करने से पहले उसके बारे में ठीक से मालूमात नहीं की थी वो अपना पुराना डीलर है ना प्रेम जी उसी ने ही जीजी को जयदेव से मिलाया और वो खुद जीजी का इन्वेस्टर है और डील भी अच्छी ऑफर कर रहा था वो डील हाँ वही बात है लाभ के लोभ में जालसाज के जाल में फंस गए होमी ये डील पार्टनरशिप और दोस्ती ये सब जीजी का दिखावा है और ये सब कुछ उसने मुझ तक पहुंचने के लिए किया है और ये स्टे ऑर्डर हटाने का उसका एक खेल था पर जीजी फैशंस में उसके लाखों रुपए लगे हैं और यहां उसके करोड़ों अटके हैं हमें उस जीजी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जयदेव का क्या करोगे उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मगर मुझे विश्वास है होमी मेरा बेटा जो भी करेगा सही करेगा तो ये है तुम्हारा ऋषि वनाश्रम मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई के इतनी करीब इतनी खूबसूरत जगह होगी लेकिन तुम तो मुझे वहां ले क्यों नहीं जा रहे हो तुम्हें ऐसे हाँ तुमसे किसी ने कहा है तुम पागल हो हाँ अरे हाँ पागल जीजी हमेशा मुझे पागल कहता है लेकिन है खुद पागल मुझ पे ये कैसा है अच्छा जीजी का बर्थडे गिफ्ट है आप बताओ पागल कौन है तुम वो तो मैं हूं ही लेकिन क्या तुम बता सकते हो किस पर तुम जानते हो एक लड़की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है क्या ये जानना कि जिंदगी भर कौन उसके लिए पागल रहेगा कौन उसे कभी धोखा नहीं देगा और ये सब जानना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं जान गई हूं कि तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगे हमेशा सबकी मदद करोगे जय जीजी बहुत तकलीफ में है बहुत बड़ा कर्जा है उस पे बहुत उदास है वो जानता हूं मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा सच तुम जीजी की मदद करोगे जीजी मेरे लिए दोस्त से बढ़कर है उसने मुझे दुनिया दिखाई मैं उसकी मदद जरूर करूंगा जय यू आर सो नाइस अगर वो मुझे दोस्त से ज्यादा मानता तो उसका वो गुरु बाप स्टे ऑर्डर हटा क्यों नहीं देता तुमने ठीक से कोशिश नहीं की होगी वरना क्या कोशिश करूं तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो 100 करोड़ रुपया उठाया मार्केट से अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो ये सब उतर जाएगा ये हार ये लाली ये बाली
रास्ते पर आ जाएंगे। तुम्हारे सपने हैं, उम्मीदें हैं, तो मेरी भी है। 2 साल से तुमसे शादी के लिए रुकी हूं। हर लड़की का एक सपना होता है कि वो शादी करे, उसका घर बसे, उसके बच्चे हो। कब तक रुकी रहूंगी मैं, कब तक रुकी रहूंगी? आखिरी बार सुन लो, नफरत होने लग गई है मुझे शादी शब्द से। अगर मेरा ये काम नहीं कर सकती तो मत करो, रोती रहो। मैं समझूंगा इस लड़ाई में मैं बिल्कुल अकेला हूं। एक्सेलेंट, सैपलिंग्स काफी बड़े हो गए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मित्र जयदेव, ग्रीन हाउस नंबर 6 के पौधे तो धरती में प्रत्यारोपण के लिए तैयार हो चुके हैं। वेरी गुड। मेरे जीवन को एक दिशा मिल गई है, एक उद्देश्य मिल गया है, अपना लक्ष्य दिख रहा है मुझे। शुभम जी। अब शुभम, शुभम, शुभम। अब वैसे बाबा कहाँ हैं? फैक्ट्री में। अच्छा, थैंक यू। अच्छा कुसुम जी, आपको नहीं लगता कि इस रचनात्मक कार्य से कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है? ये पौधे, ये हे बॉपिन, अरे बॉपिन, हे बॉपिन, अरे अरे सुनो तो बॉपिन, कहाँ जा रही हो तुम? तो वापस आकर फिर वैसे ही हो गई, वही कपड़े, वही डर। हे अरे रुको तो, तुम हमेशा इतना भागती क्यों? हाँ क्या हुआ? जयदेव, तुम्हें गुरुजी को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? जो भी हुआ। अरे लेकिन क्या हुआ? वो सब जो थाईलैंड में हुआ। मतलब? गुरुजी बहुत परेशान रहते हैं, मैं तो उनके सामने से गुजरने से भी डरती हूँ। तो डरो और ऐसे ही जियो। और वैसे भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मैं बाबा के सामने जाने से डरूं? थोड़ी सी सिगरेट और शराब ही तो पिए। हाँ और बाबा जो जीजी के साथ कर रहे हैं वो सही है क्या? पता है उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं आज बाबा से बात करूंगा। नहीं जयदेव, जयदेव तुम गुरुजी से ये सब नहीं कहोगे। माधवी तुम हमेशा इतना डरती क्यों? बाबा ने तो हमको ऐसे जीना नहीं सिखाया। पता है जब से जीजी से मिला हूं ऐसा लगता है जैसे यहां पे सब लोगों ने अपने आप को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। इधर आओ, यहां से मुझे देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता माधवी कि मैंने अपने आप को इन सलाखों के अंदर बंद करके रखा हुआ है? तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो गई हो माधवी, हमेशा अपने आप को इस पिंजरे के अंदर बंद करके रखती हो, और जब आश्रम से बाहर जाती हो तो ये पिंजरा अपने साथ लेकर जाती हो। मुझे समझ नहीं आता माधवी तुम हमेशा इतना डरती क्यों? समझोगे, उम्मीद करती हूँ एक दिन समझोगे। ये सब कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है ना जयदेव, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, अनाथ नहीं होना, और जानते भी नहीं अनाथ होना क्या होता है। शुभम, शुभम, शुभम बाबा। बस भजनलाल, इसमें और रस मत डालना। इन दवाओं की बात ही निराली है, एक नए तत्व के मिलते ही इनका चरित्र बदल जाता है। अगर मात्रा में थोड़ा भी फर्क आ जाए ना तो यही दवा जहर बन जाती है। पर इंसानों की बात और है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं। बेटा तुम्हारा काम कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है बाबा। आपसे जीजी के बारे में जरूरी बात करनी थी। भजनलाल इसे धीमी आग पर रखना, तैयार होने में वक्त लगेगा। हाँ बोलो। बाबा वो जीजी की जमीन के बारे में कुछ सोचा आपने? बेटा तुम जानते हो कि मैंने उसके काम में रोक क्यों लगाया? नहीं बाबा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि उसके काम से यहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा इलाका बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, जैसे महाबलेश्वर बदल गया है जहाँ पानी पहले से आधा बरसता है, जैसे शिमला बदल गया है जहां बर्फ गिरनी बंद हो गई है। देखो बेटा मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं, अगर उसे सिटी बनानी है तो पूरा सह्याद्री घाट खाली है, जाए बनाए अपना शहर। वो यहीं की जिद क्यों कर रहा है? सिर्फ इस वजह से कि उसे कुछ किए बगैर यहां पर पानी और हरा भरा इलाका मिल रहा है। वो अपनी स्वार्थ के लिए मेरी इस दुनिया को उजाड़ना चाहता है।
बाबा आप जीजी को गलत समझ रहे हैं। बाबा वो ऐसा नहीं है बाबा, ऋषिवन को कुछ भी नहीं होगा, उसने मुझसे वादा किया है। वादा? एक बिल्डर के वादे पर इतना भरोसा? वो मेरी इस दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो? वकालत नहीं कर रहा हूँ बाबा। बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा, वो मेरा दोस्त है, उसने पैसे लगाए, वो बर्बाद हो जाएगा बाबा। और जो उसकी वजह से आदिवासी बर्बाद हुए, उनकी जमीन हड़प करके उन्हें मुंबई के गंदे झोंपड़ों में फेंक दिया है। अरे तिलक नगर जाकर देखो, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ बड़े हुए हैं, देखो उनकी हालत क्या है। लेकिन बाबा इसमें जीजी की क्या गलती है? आदिवासियों ने जो फैसला लिया उसके जिम्मेदार वो खुद है। आदिवासी जिम्मेदार है? ये जो तुम और आज मैं यहां जिंदा खड़े ना, इसके भी जिम्मेदार आदिवासी है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो 4 साल के थे जब हम छुट्टियां गुजार के महाबलेश्वर से मुंबई वापस आ रहे थे। हम सब बहुत खुश थे, तुम अपनी मां के बहुत दुलारे थे। हमें यह नहीं पता था कि आगे रास्ते में पहाड़ टूट कर गिरा है, ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी उलटकर खाई में गिर गई। चला ड्राइवर उसी वक्त गुजर गया था जब मेरी आंख खुली तो एक ईश्वर के सम्मान ऋषि मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने जी जान लगाकर तुम्हारी मां को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच पाए। देखते ही देखते हमारी दुनिया बदल गई, मेरा सब कुछ चला गया। चिता की आग ने पल भर में सब कुछ जला कर राख कर दिया। मेरी सारी दौलत किसी काम नहीं आई। मेरे असली धन तुम हो और तुम्हारे लिए मुझे जिंदा रहना है। उस ऋषि ने बहुत सेवा करके तुम्हें पुनर्जीवन दिया। आश्रम में रहकर मैंने एक नया जीवन देखा। वहां अकाल पड़ा था और ऋषि लोगों की सेवा कर रहे थे। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। सूरज की तेज आंच ने धरती को सुखा कर चितरा दिया था। आदमी और जानवर अकाल मर रहे थे। मुझे लगा कि ईश्वर ने यह सब देखने के उद्देश्य से मुझे यहां पहुंचाया। जिन लोगों ने हमें बचाया है उन्हें मरते छोड़कर नहीं जा सकता था। मुझे किसी भी तरह भूखमरी और अकाल को मिटाना होगा। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अकाल और भूखमरी से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, हरियाली। मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए। यहां सालों साल बारिश नहीं होती थी, हर साल बारिश होने लगी। फिर यहां कभी अकाल नहीं पड़ा। अकाल पर तुम हमारी इस जीत को हार में बदलोगे? अपने इस ऋषिवन को जीजी सिटी कहलवाओगे? ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है कि एक चिंगारी पूरे आश्रम को जला सकती है? भगवान ने यह बुद्धि किस लिए दी है? हाँ, शुभम शुभम गुरु जी आप बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मैं गांव छोड़ के चला गया। मेरी बीवी गुजर गई, अब इन दोनों को संभाल के काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप इन दोनों को
आपके आश्रम में रख लीजिए। तुम लोगों को कई बार समझाया था कि शहर में जीने के लिए पैसे लगते हैं। अरे जमीन के बदले में जो रकम मिली है उस पर कितने दिन जियोगे? इस जन्नत जैसी जगह को छोड़कर मुंबई के गंदे झोपड़ों में पड़े हो, वो भी कोई जिंदगी है? अब रोने से क्या फायदा, सब कुछ तो खो दिया। भजनलाल बच्चों को ले जा। जी। तुम्हारा मतलब है आदिवासी सोनगढ़ के महलों में रहते थे और मेरी वजह से झोपड़े में आ गए? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जी। छोड़ो यार, इतने दिन हो गए और तुम मेरी बात करने के बजाय इन आदिवासियों की बात कर रहे हो। इनका क्या है? वो जो हिंदुस्तान पर सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं, कमाते हम लोग हैं, टैक्स हम लोग भरते हैं, और ये लोग देखो, अगर तुम्हें मेरा काम नहीं करना है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। और इस फैशन शो में मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बात करूँ तुम्हारे पिताजी से। लेकिन बाबा से तुम क्या बात करोगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम मेरे साथ हो ना। Guys, it's not working. Come on, it's a fashion show. What are you looking at? I want you to do it with elegance, you know, panache. You try it again, please. Okay? Try it together. Roll the music. You know, bad girls need yeah. to. Yeah, okay, fine. Yeah. Jai Devardhan, kone? Main hu, boliye. Paisa kab de raha hai? Hum Irfan bhai ke aadmi hai. Paisa lene ko aaye. Dekhi bhai sahab, paise ki... Ek minute. वो 10 लाख देना है ना इरफान भाई? ये आपके आदमी इरफान भाई, मेरा पैसा मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, मैंने गारंटी ली है। हाँ इरफान भाई, 4.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, लेकिन मिल जाएगा आपको जी। आप बात करें? हाँ। अच्छा, बात हो गई, आप जाइए, पैसा मिल जाएगा। जी, 4.5 करोड़ मतलब? 10 लाख डॉलर 4.5 करोड़ हुआ ना। लेकिन हमने तो डॉलर में खेला ही नहीं था। तुम ही बताओ डॉलर में खेला कि नहीं। नताशा, पैसा तो देना ही पड़ेगा, तुम दो या मैं दूं बातें की है। लेकिन इस वक्त मेरा सारा पैसा वो जीजी सिटी में फंसा हुआ है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये ओके, दैट्स इट, नाउ 4, टर्न अराउंड, होल्ड इट, वेरी गुड, ओके, वोला वोला वोला, ओके। क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। तुमने डॉलर में कब खेला? डॉलर क्या, मैं हर खेल खेलूंगा। जीजी, तुम जय के साथ गलत कर रहे हो। और वो मेरे साथ सही कर रहा है, तुम लोग सब एक जैसे हो। क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जाओ यहां से, इससे पहले मैं कुछ बोलूं। जा, पागल हो, नीचे उतरो, क्या कर रहे हो तुम? और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? जी जी, चुप, फंसा मैं और साथ उसका दे रही हो तुम। जी जी, तुम सब लोगों की जाति ऐसी है, एक बड़ा बकरा फंसा तो चल दिया उसके साथ। जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। तुम पहले नीचे तो उतरो। अगर मैं उतरा ना तो सब उतरेंगे, तुम, वो गुरु, तुम्हारा वो इंडस्ट्रियस दोस्त, सब। ए, जाओ अंदर जाके रहो, यहां नाटक बंद करो, जाओ। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपको यहां शहर नहीं बनाने दूंगा? आप समझिए, इसमें मेरा करोड़ों रुपए का फायदा है और आपका भी हो सकता है। अगर मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने होते तो मैं यहां अनाथ आश्रम क्यों खोलता, एक महंगा बोर्डिंग स्कूल खोलता
और दुनिया भर के अमीर लोगों के बच्चों को यहाँ पढ़ा था। मुंबई में कई पान वाले रहजाम हैं जो बड़े बड़े डॉक्टरों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल यह है कि आप पैसा कैसे कमाते हैं और समाज को उसका क्या फ़ायदा है। बहुत ऊँचे सोच विचार हैं आपके, जो यहाँ दुनिया से दूर सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन आप शायद जानते नहीं कि मैं बिल्डर हूँ और अपना काम करवाना अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ, खूब जानता हूँ। इसीलिए पैसों के लिए गुंडों के सबसे ज़्यादा धमकी भरे फ़ोन आप बिल्डर्स को ही आते हैं। कभी सोचा है क्यों? एक बिल्डर की जान की कीमत क्या है? 10,000 में लोग तैयार हैं दूसरों को मारने के लिए, और अगर मैंने उन अनाथ बच्चों को रास्ते पर छोड़ दिया होता तो 10,000 बहुत ज़्यादा हैं। 500 रुपये कीमत होती है एक बिल्डर की जान की, 500 रुपया। मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा करोड़ों रुपया लगाए, शहर तो मैं बनाऊंगा ही। आपका बेटा मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आप तो अपनी जिंदगी जी चुके, बस आशीर्वाद दीजिए कि आपके जीते जी मेरा काम हो जाए। मेरा बेटा कभी आपका साथ नहीं देगा। आपके बेटे ने हर कदम मेरा साथ दिया है, देखेंगे। देखेंगे आप, चूहे का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मार्केट का 4.5 करोड़ रुपया चुकाना है। और देखेंगे, देखिए देखिए देखिए, शुभम आश्रम के प्रियजनों, जब यह पत्र आप लोगों को मिलेगा तब मैं यह आश्रम छोड़ चुका हूंगा। मुझे दुख है, जिस आश्रम को हम सबने मिलकर संवारा है वो आज संकट में है, और मेरा बेटा उन लोगों का साथ दे रहा है जो आश्रम को उजाड़ना चाहते हैं। आज अगर मेरे जीते जी ये हाल है तो मेरे बाद इस आश्रम का क्या होगा? इस दुविधा में मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। यदि इस आश्रम को उजड़ना ही है तो अच्छा होगा कि यह कार्य मेरी मृत्यु के पहले हो जाए, जिससे मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। आप लोगों से निवेदन है, इस पत्र की बातें मेरे बेटे को ना बताएं और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करें। यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दें। आप सबका शुभ चिंतक इतने शुभम। सोच रहे पाटिल साहब, काश हमारे कुछ एमएलए ऐसे होते तो सभा जमा देते। यहाँ क्यों आते? आओ कुतुब मीनार। हाय पाटिल साहब। जयवर्धन। हेलो मंत्री अमृत पाटिल। नाइस मीट यू। कैसे हैं गुरुजी? अच्छे। बाबा से बात हुई जी? हाँ हुई, बात वहीं की वहीं है। अब सब कुछ तुम पर है। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ।
ये डिजाइन बहुत बढ़िया है। वो थैंक यू, मैं आपके लिए एक बना दूं। क्या दाम क्या है? वैसे तो 35,000। 35,000 सिर्फ आपके लिए? ये दाम है या बवाल? एक्सक्यूज मी जॉन, जॉन एब्राहम राइट? अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप मेडिकल रेप हो? नहीं, जय जयवर्धन। आपको शायद फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, फूड पॉइजनिंग लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आप वागा फैशन वेयर के लिए मॉडलिंग करने वाले थे? वागा वो क्या है? एक बात बताइए, आप जीजी गौरव गुप्ता को जानते हैं? जीजी नताशा का बॉयफ्रेंड, लगता है उसने आपको पोपट बनाया। अब सॉरी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या? सिर्फ आपके 5 मिनट। ठीक है, थैंक्स, फॉलो मी। वागा कलेक्शंस के पीछे आपका मकसद क्या है? वागा कलेक्शंस का एक ही मकसद है, फैशन के शौकीन लोगों का शौक पूरा करना। वर्धन हमारे पार्टनर्स हैं और वागा कलेक्शंस के लिए उन्होंने खास कपड़े बनाए। लेकिन वागा कलेक्शंस में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं है? इसका जवाब हमारे खास डिजाइनर एश्टन रागा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यस, गुड इवनिंग। वागा कलेक्शंस में डिजाइन की लेटेस्ट इंटरनेशनल रेंज है। ये नए जनरेशन के लिए नया स्टाइल स्टेटमेंट है, और क्या चाहिए? चलिए आज शाम को रंगीन बनाते हैं। प्लीज जॉइन अस फॉर कॉकटेल्स एंड डिनर। थैंक यू। तू कहाँ था? जी जॉन बता रहा था। अरे जॉन क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। मुझे अपने दोस्त को मॉडल बनाना था, तुम्हारा बहाना लेके बना दिया। हाँ, ये कह रहा था कि तुम। मैं भी कहता हूँ, अगर ये हाँ करे तो तुम्हारे जैसा सुपर मॉडल बना दूँ। मैं अभी मॉडलिंग नहीं करता। तो आजकल तुम पेपर नहीं पढ़ते हो? एनीवे, ऑल द बेस्ट मैन। थैंक्स मैन, सी यू। यू टू। तुम सब झूठे हो, सब। सिर्फ डराना, हाथ मत लगाना। जय, जय, जस्ट वेट। जय, जय। कुछ बोलना मत। क्या कहा था तुमने? एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल ये तय करना होता है कि कौन सा मर्द उसे जिंदगी भर धोखा नहीं देगा। जो मर्द पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है वो तुम्हें धोखा नहीं देगा? तुम सही हो जाए, उसने मुझे भी धोखा दिया है। उसकी बातों में आकर मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी। मुझे माफ कर दो। अगर तुम इतना समझ गई हो तो बस यही कहूंगा, अपना ख्याल रखना। तिलक नगर आ गया सब। हाँ वही आदिवासी की बस्ती है ना, वहां पे किसी से मिलने आया होगा। ये गाड़ी से उतर क्यों नहीं रहा? उतर गया भाई, वो उतर गया वो गाड़ी से। ये सुन। हाँ भाई। सिर्फ धमकाना। हाँ।
फोड़ना मत। नहीं भाई। समझ गया ना? हाँ भाई। चल निकल। ए, इरफान भाई के पैसे कब देगा तू? गाड़ी घुमा। अबे बोलना शाने। ए, हाथ मत लगा। अबे देख क्या रहा है, बोलना पैसे कब देगा? देख मत रे, पैसे कब देगा तू? ए शाने, आंखें क्या दिखा रहा है? ए, बोला ना, हाथ मत लगा। हट। हट। रामनाथ शंभू, कहाँ है तुम लोग? तू देख गुरुजी के बेटे को मार रहे हैं, कहाँ है तुम लोग? जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ तुम लोग। चल निकल निकल। अरे गुरुजी के बेटे को मार रहे हैं ये लोग। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? जल्दी आओ। गणपत देख देख, इधर गुरुजी के बेटे को मारा है इन्होंने। अरे भाग रहे चले ये। अरे पकड़ इनको, पकड़। चलो चलो चलो। अरे कुत्ते चले। गुरुजी, ठीक है, मैं समझ गई। तुम किसी से कुछ कहना मत। ठीक है, नहीं कहूंगा। आएंगे, कुछ हुआ होगा। सही है माधवी। क्या हुआ? अरे माधवी सुनो, क्या हुआ, क्या हुआ? आश्रम के प्रिय जनों, माधवी ये वक्त रोने का नहीं है। तुम चंदू के साथ जाओ, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगी। जाओ माधवी, जाओ। पागल हो गई हो तुम, मुझे छोड़ के जाओगी? हाँ पागल थी जो तुम्हारे साथ 2 साल रही। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। ये पहली और आखिरी बार तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, बहुत हो चुका। तो मेरे लिए भी बहुत हो चुका। तो अच्छा है, बात खत्म। अगर तुमने यहां से बाहर एक कदम भी रखा तो लौट कर मत आना। ठीक है, मैं यहां से सिर्फ अपनी चीजें लेके जा रही हूं। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ यही है। वैसे भी कुछ दिनों में सब कुछ उतरने ही वाला है। तुम जैसे कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम किसी के साथ भी ईमानदार नहीं हो, खुद के साथ भी नहीं। आश्रम में रहोगी या वर्धन के बंगले पे? अब तुम्हारे सपने वो पूरे करेगा। मेरे सपने की छोड़ो जीजी, अपने सपने जीजी से ठीक ही सोचो। जो आदमी एक घर नहीं बसा पाया वो एक शहर बसाएगा? समझा है जब से जिंदगी
को समझा है जब से जिंदगी जिंदगी अब जिंदगी लगने लगी जिंदगी अब जिंदगी लगने लगी आपकी बाहों में जब से आ गई आपकी बाहों में जब से आ गई ऐसा लगता है कि मंजिल पा गई ऐसा लगता है कि मंजिल पा गई सकते मोहब्बत का ये दामन छोड़कर आपकी किस आशिकी को क्या कहें आपकी इस आशिकी को क्या कहें अपनी इस दिल की लगी का क्या करें अपनी इस दिल की लगी का क्या करें तलक था सुनहरा ख्वाब अपनी जिंदगी सामने आई हकीकत जिंदगी की आज ही कल तलक था सुनहरा ख्वाब अपनी जिंदगी सामने आई हकीकत जिंदगी की आज ही कैसे लड़ती है अंधेरों से उजालों के लिए हर घड़ी किस्मत से देखो हर किसी की जिंदगी अब हुआ एहसास सच और झूठ का अब हुआ एहसास सच और झूठ का अपनी मर्जी से जिएंगे जिंदगी 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 देखिए आप सब लोग मेरी बात मानिए वापस ऋषिवन चलिए ये भी कोई जिंदगी है क्या रखा है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को इस नरक में और इन मंत्रियों के बातों में ना आए आप ये कोई घर वर बांध कर नहीं देने वाले आप लोगों को पर हमें हमारी जमीन वापस कैसे मिलेगी मैं दिलाऊंगा लेकिन मुझे आप सब से भी एक वादा चाहिए जब मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा तो आप सब एक साथ मेरे साथ वापस चलेंगे अगर आप सब मेरे साथ हैं तो हाँ बोलिए और हाथ उठाइए I'm sorry, अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कितनी बार माफी मांगोगे बेटा अब छोड़ो उसको अभी आश्रम जाओ वहां तुम्हारी जरूरत है जाऊंगा अंकल
लेकिन पहले मुझे इरफान भाई से मिलना है। हाँ हाँ, मैंने कमिश्नर साहब से बात किया है, वो हो जाएगा। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी। यस इरफान भाई, डीसीपी देशमुख साहब ने भेजा है। ओके जाओ। थैंक यू, आप यहीं वेट कीजिए। इरफान भाई, मैं तेरे को बाद में फोन करता है, क्या बात है? मैं जयदेववर्धन। हाँ, डीसीपी देशमुख का फोन आया था, क्या काम है? जीजी ने आपसे मेरे नाम पर कितने की बैटिंग की थी। जीजी? कौन जीजी? जीजी गौरव गुप्ता। वो बिल्डर, क्या हुआ उसे? उसने आपके साथ बैटिंग की थी राइट? पहले खेलता था, काफी दिन से खेला नहीं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, क्या बात है? मुझे एक बात समझाइए इरफान भाई, गौरव गुप्ता ने मेरे नाम पर आपके साथ दाव लगाया था या नहीं? अरे भाई बताया ना, जब वो खुद नहीं खेला तो आपके नाम पर कहां से बेट लगाएगा? Can't believe this. हेलो जी, जी जय बोल रहा हूँ, मुझे इरफान भाई को कितना पैसा देना है? अरे जय तुम कहाँ हो, ठीक तो? ये इरफान भाई के लोगों से थोड़ी गलती होगी। थोड़ी नहीं, बहुत। और गलती इरफान भाई के लोगों की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। अरे जय, ये इरफान भाई एड़ा है। अच्छा तो लो, इरफान भाई से ही बात करो। ए, ये क्या नाटक चल रहा है? इरफान भाई कैसे हैं? अरे इरफान भाई, मैं बस अपने दोस्त की खींच रहा था। खींच? लेकिन अपने गले पे खींच, मैं यहाँ धंधा करने को बैठा है, इधर डीसीपी देशमुख का फोन आया। और सुन, तू ये खेल किसके साथ खेल रहा है? अरे यार तू भड़क क्यों रहा है, जय को फोन दे, मैं उसको समझाता हूँ। हेलो जय, जय। थैंक यू। अरे सुनो भाई, ये डीसीपी देशमुख और पुलिस वालों को बीच में क्यों लाते हो? कभी भी जरूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्ट फोन करो। मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इलाका तो बहुत अच्छा है पाटिल। यहाँ से आश्रम कितना दूर है? 40 किलोमीटर होगा। जाएंगे? नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। वो गुरुजी का क्या करें, फिर से वो 50 साल की लीज मांग रहे हैं। सर मेहरबानी करके उस आश्रम की लीज मत बढ़ाइए प्लीज। क्या है, उस आश्रम की वजह से इस इलाके का सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, और जब तक वो आश्रम है गुरुजी डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। नहीं, उन्हें सोनगढ़ के बाहर दूसरी जगह दे दीजिए, और ये जगह जीजी को डेवलप करने दीजिए ना। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन आश्रम को हटाएंगे कैसे? उसमें हटाने के लिए है क्या, 8-10 शेड है, कुछ झोपड़ियां हैं, और इस आश्रम के बदले जीजी उन्हें नया आश्रम बना के दे देंगे ना, सारी सुविधाओं के साथ। एक मॉडर्न आश्रम बनाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बस एक बात बताइए, ये अगर नया आश्रम बनाने को तैयार है तो फिर गुरुजी को तकलीफ क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वही तो मैं कह रहा हूँ सीएम साहब। सीएम साहब, इसी में हम सबका फायदा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। बाबा, 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 मैं जानता हूं आप यही कहिए बाबा। बाबा, बाबा, मैं जानता हूं आप मुझे सुन सकते हैं बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं
अकेला पड़ गया हूँ बाबा। मैं समझ गया हूँ अनंतोरा क्या होता है बाबा। बाबा बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। जीजी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आपका और हमारा 20 साल का रिश्ता है, फिर आपने मेरे बेटे को ऐसे इंसान से क्यों मिलवाया? गुरुजी मुझे खुद पता नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, और मैंने तो दोनों की भलाई के लिए मिलवाया था। अब क्या हो सकता है? गुरुजी सोचता हूं मैं। सोचिए। आप लोग शांत हो जाइए। मैं इस बारे में क्या? आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए आप लोग। इस नोटिस में यही लिखा है कि सरकार आश्रम की लीज को नहीं बढ़ा रही है। अरे परंतु नेने साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। उनके लॉयर खोटे के साथ मेरी बात हुई है। इस जमीन के बदले सोनगढ़ के बाहर एक नया आश्रम बनाकर देने की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों को तय करना है हमें आगे क्या करना है। शांत नेने साहब, नहीं देखिए, इन लोगों की बात मानी तो हमारा भी वही हाल होगा जो आदिवासियों का हुआ है। पर नेने साहब आप खुद ही सोचिए, हम इन सब लोगों को लेकर, बच्चों को लेकर कहां जाएंगे आखिर? उन लोगों से कह दीजिए नेने साहब, हम लोग आश्रम नहीं छोड़ेंगे, हमें जमीन छोड़कर और कहीं भी नहीं जाएंगे। और इस साल हम लोग अपने आश्रम का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जरूर मनाएंगे, यही मनाएंगे। एक अंकुर के अंश को अलग मीडियम में डालने के थोड़े समय बाद ही उस एक से अनेक पौधे बन जाते हैं। कुछ समय तक अलग अलग रखने के बाद लगभग 4-5 महीने में यही पौधे जमीन में रोपने लायक हो जाते हैं। और इस साल आश्रम के बच्चे 5,00,000 पौधे रोपेंगे, और इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं जयदेव वर्धन। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने पिताजी की इच्छा अनुसार और हमारे कलेक्टर साहब की इजाजत से मैं पूरे सोनगढ़ इलाके को हरा भरा करना चाहता हूँ। फिर इस काम में आपको दिक्कत क्या है? सिर्फ एक दिक्कत है, बिल्डर गौरव गुप्ता। वो यहाँ की पूरी जमीन हड़प कर यहाँ पर एक सिटी बनाना चाहता है, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं यहाँ के MLA और मिनिस्टर अमृत पाटिल। घोटाला सामने आया है, ऋषिवन घोटाला, जहां एक तरफ सरकार झोपड़ियां तोड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अमृत पाटिल ने तिलक नगर नाम की एक नई झोपड़पट्टी बसाई है। इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में काफी बड़ा हंगामा हुआ है। एक मिनट, पाटिल साहब आपका कहना यह है कि ऋषिवन में कोई घोटाला ही नहीं हुआ? देखिए ये सब इन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है। आपके हिसाब से तो मुंबई में बाढ़ ही नहीं आई थी। सच तो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए ताकि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके राहत मांग सकें और अपने घर भर सकें। अरे आप जैसे लोग तो बाढ़, अकाल और भूकंप के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो तुम आदरणीय गुरुजी के बेटे हो, इसलिए पहले सोचो, समझो, उसे तोलो और फिर बोलो। हर साल बारिश आने से पहले आप लोग अकाल पड़ने का प्रचार करते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके 400 करोड़ 500 करोड़ की भीख मांगते हैं। पिछले 10 साल से आप लोग हर साल यही करते आए हैं। अरे अब प्राकृतिक आपत्ति के सामने कोई क्या कर सकता है? आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा पाटिल साहब? जिस तेजी से आपकी वजह से पेड़ कट रहे हैं, अब से हर साल या तो बाढ़ आएगी या अकाल पड़ेगा। अपने इलाके के सभी लोगों को तो आपने मुंबई भेज दिया है,
लेकिन एक भी बार जाके देखा है कि वो लोग वहां किन हालात में जी रहे हैं। तुम्हारा कुतुब मीनार भी अच्छा निकला यार, तुम इसे मीडिया को मैनेज करना सीख के तुम्हें को सिखा रहा है। मुर्गी कसाई खाने ऐसे नहीं जाती जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग सफर करते हैं। अब तोलो मोलो और खुद बोलो, सेंटर से भीख मांगने के सिवाय आपने अपने क्षेत्र के लिए किया ही क्या है? बोलिए बोलिए पाटिल साहब, जवाब दीजिए, आपका समय अब खत्म हो रहा है, बोलिए। झोपड़पट्टी तोड़े जाने के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं बड़े घटनाक्रम में तिलक नगर में बसे आदिवासियों ने वापस सोनगढ़ जाने का फैसला किया। हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, शहर से गांव लौट रहे आदिवासियों में इतना उत्साह था कि जैसे उन्हें जिंदगी फिर से मिल गई हो। इन आदिवासियों की वापसी जयदेव वर्धन के कारण हो पाई है। अब मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर आदिवासियों का भविष्य निर्भर है। सोनगढ़ में आदिवासियों की वापसी को लेकर सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और सोनगढ़ में भी जमीन को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी शहर के झोपड़ों में बसे लोग अपने गांव वापस लौटे हैं। आज इस विस्फोटक मामले पर चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बात की। प्लीज वन बाय वन। सीएम साहब, आप बताएं कि सोनगढ़ वापस जा रहे हैं आदिवासियों के साथ, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अभी इस वक्त तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। जिस जमीन पर लाखों पौधे लगाए गए हैं उसे आप मिस्टर पाटिल के दबाव में आकर जीजी बिल्डर को बेच रहे हैं। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर काम ही नहीं करता। क्या आप सरकार गिर जाने के डर से ऋषिवन आश्रम की लीज नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, ऋषिवन आश्रम का जंगल और 5 लाख से ज्यादा पौधों को नष्ट होने देंगे और 50 साल से चल रहे आश्रम की लीज नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, मैं ऋषिवन आश्रम के गोल्डन जुबली समारोह में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर खुद देखूंगा कि अगर सचमुच वहाँ 5 लाख पौधे लगे हैं तो मैं वही फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज ऋषिवन से जुड़े जीजी बिल्डर से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, पर पत्रकारों के सवालों से झलाकर गौरव गुप्ता धक्का मुक्की पर उतर आए और बदतमीजी की और जवाब दिए बिना वहाँ से चले गए। जो आदमी मीडिया के साथ इस तरह पेश आ सकता है, उसने गरीब आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस डीजी सिटी को मैं, पाटिल और सीएम नहीं पूरा कर पाए, उसे तुम पूरा करोगे। इस 50 करोड़ के पीछे कौन है प्रेम जी भाई, ये जानकर तुम क्या करोगे? और सीएम को तुम कितना जानते हो? मेरी सुनो, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, और जो सीएम ये कहता है कि वो सारा मुद्दा वहां पर जाकर तय कर लेगा, उसने पहले से कुछ ना कुछ तय कर लिया है। इस टूटी हुई इमारत में तुम्हें सोने की ईंट कहां से नजर आ गई? तुम धंधे की बात कर रहे हो या पॉलिटिक्स की? अगर तुम ये समझ ही गए हो तो मेरे ऑफर का क्या कहते हो? 50 करोड़ लो और वो सारी की सारी जमीन और उस पर खड़ी हुई मशीनरी, सब कुछ मेरा, वरना बर्बाद हो जाओगे। इस 50 करोड़ का ऑफर अपने पास रखिए प्रेम जी भाई, जमीन और मशीनरी तो क्या, 50 करोड़ में मैं आपको जीजी सिटी की धूल भी नहीं बेचूंगा। अगर सीएम ऋषिवन जा रहा है तो हम भी जाएंगे, है? इसी जगह पर हम खड़े थे जब तुमने कहा था कि 1 साल रुक जाओ, अब 1 साल होने को है, अब क्या कहते हो? तब की स्थिति अलग थी या आज की स्थिति अलग है? मतलब स्थिति के हिसाब से आपकी जुबान बदलती है। जी जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ ना। वो जब प्रॉफिट होगा, सारा नुकसान तो मेरा है। आपको याद दिला दूं कि सारा पैसा मेरा लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा पटेल, बर्बाद हो जाऊंगा। जी जी, ये पाटिल अभी तक जिंदा है, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंच चुके हैं और ये फंक्शन बस शुरू होने ही वाला है। आ रहे हैं, पर इस वक्त मंच पर उद्योगपति होमी वाडिया स्वागत कर रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय जावेद अहमदी साहब का।
के आज खुशी नाच उठी देखो संग संग बहार के ओ, आज खुशी नाच उठी देखो संग संग बहार के जीवन का चलता रहेगा हो उपवन रहेंगे तो जीवन रहेगा ये चक्र जीवन का चलता रहेगा इन पेड़ पौधों से मिलती है सांसें इनकी ये शाखें हैं जीवन की राहें वक्त पे बदलती संग संग बाहर के हरी भरी धरती पे चल के रंग प्यार के आज खुशी नाच उठी देखो संग संग बाहर के आज खुशी ऊपर जाके सोमरस पीना समझा एक तेरी तो जब तक चलो अनर्थ हो गया जयदेव जयदेव उधर पकड़ो पकड़ो छोड़ना नहीं बचने ना पाए चाहिए पकड़ो दुष्टों को फैक्ट्री में आग लग गई है हर तरफ अफरा तफरी मची है और गौर करने की बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं पुलिस पुल के उस पार किसी को नहीं जाने देना बच्चों स्टेज के नजदीक आकर बैठ जाइए आप शांत रहिए शांत
बढ़ती ही जा रही है। पर देखने की बात यह है कि जो टंकियां पौधों को पानी देने के लिए लगाई गई थीं, वही पानी आज इन पौधों को जलने से बचा पाता है या नहीं। ये आग आश्रम में लगे लाखों पौधों को जलाकर मिटाने के लिए लगाई गई है, ताकि जब सीएम यहाँ पर आए तो पौधों का नामो निशान तक ना रहे, क्योंकि सीएम साहब पौधों के आधार पर ही आश्रम की लीज बढ़ाने का फैसला करने वाले हैं। खबर यह है कि आग बुझ चुकी है और अभी अभी मुख्यमंत्री भी यहां पहुंच चुके हैं। कहीं साग के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? आपको हर आग के पीछे मेरा याद दिखाई देता है? ये पूरी घटना जस्टिस जावेद अहमदी के सामने घटी है। इस मामले का मुख्य गवाह बचा लिया गया है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। अभी उसे जयदेव वर्धन मंच की ओर ले जा रहे हैं। सर, जो भी कुछ हुआ आपने खुद देखा है। इन लोगों ने पूरे आश्रम के साथ साथ 5 लाख पौधों को जलाने की कोशिश की सर, और इस आदमी को जल्दी आग के अंदर फेंक दिया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। आप सभी लोग सुन लीजिए जो यहां मौजूद हैं। मैं जस्टिस जावेद अहमदी इस गंभीर आपराधिक घटना का खुद गवाह हूं, और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं इस बात का आदेश देता हूं कि इस घटना को अंजाम देने वाले मिनिस्टर अमृत पाटिल और बिल्डर गौरव गुप्ता को, और उनका साथ देने वाले लोगों को जिन्हें घटनास्थल पर पकड़ा गया है, तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा चलने तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाए। मैं पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देता हूं। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि एक जस्टिस ने मौके पर इस प्रकार का आदेश दिया है। सीएम, सब कुछ कीजिए। हमारे तुम्हारे बीच तय हुआ था 2 साल तक तुम्हारी कोई मांग नहीं होगी, लेकिन आप मुझे बचा सकते हैं। कैसे? कैसे मतलब? जस्टिस साहब के आदेश के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी तुम हमेशा सिर्फ सरकार गिराने की बात करते हो, अब गिराओ। सीएम साहब, मैं इसी मुद्दे पर इलेक्शन अनाउंस करता हूँ। मैंने कहा था जितना बचा सकते हो नहीं खाओ। देखिए सीएम साहब, अब जाओ। मैंने कहा था ना, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। मेरी ऑफर मानो और इस डील को सेटल कर दो। इस पेपर पर साइन करो, कल तक तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा हो जाएगा। इस जमीन को हमें बेच दो, शायद कल जीजी सिटी खड़ा हो जाए, वरना सब कुछ हार जाऊंगा, सब कुछ। इतने साल मैंने तुम पर भरोसा किया, इसीलिए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। एक बार तो मुझ पर भरोसा करो, शायद तुम इस केस से भी छूट जाओगे। षड्यंत्र था ये, षड्यंत्र जिसमें आश्रम के ही एक कर्मचारी को मदिरा पिला करके उसे इस अग्निकांड के लिए दोषी ठहराने का प्रयत्न किया गया। किंतु वह सकुशल है, हम भी लड़े
और अब अकॉर्डिंग टू लॉ इस जघन्य कांड के समस्त अपराधी 6 माह तक 6 महीने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट के साथ गैर जमानती वारंट के साथ अंदर रहेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं लड़ेंगे ये केस। भजन लाल MALLB। हाँ, वैसे ये जानना नहीं चाहोगे कि इसके पीछे कौन है? प्रेम जी, जी जी हमेशा ब्लाइंड खेला है, मुझे पता है। क्या दाव खेला है कुतुब मीनार? तुम्हें से सीखा है, पिज्जा के चुके मीनार। यह दाव तुम जीते हो, 50 करोड़ भी अपने खाते में रखना अगले दाव तक। मैंने दाव खेलना छोड़ दिया जी, शायद तुम नहीं समझोगे, लेकिन हार कर भी तुम ही ये दाव जीते हो, क्योंकि अब ये जमीन उन्हीं को मिलेगी जिनका इस पर पूरा हक है। आज तुम्हें सब कुछ बोलने का भी हक है, लेकिन फिर भी बोलता हूं, ना तुम्हें पिटवाना मेरा मकसद था और ना ये आग मेरे कहने से लगाई गई है। तुमने दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए की थी जीजी, और फायदे के लिए की गई दोस्ती सिर्फ घाटा देती है। अगर सिर्फ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाओगे तो यह हाथ हमेशा आगे रहेगा। बढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ अगले दाव तक। थैंक यू प्रेम जी। ओके। अब यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के फैसले का, क्योंकि आश्रम के हजारों बच्चों का भविष्य अब उन्हीं के हाथों में है। आश्रम की सारी घटनाओं के लिए मुझे बहुत दुख है और इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और आप लोगों से माफी चाहता हूं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो जिम्मेवारी गुरुजी ने बखूबी निभाई है। हमें गर्व है कि ऐसा इंसान, ऐसा आश्रम हमारे राज्य में है। इसलिए मैं इस आश्रम की लीज 50 नहीं बल्कि 99 साल तक बढ़ा रहा हूं। अरे मैंने क्या किया? पकड़ना तो उन्हें पकड़ो ना। मैंने क्या किया? गुरुजी गुरुजी, मानव की हर सांस तू है, पल की एक वास तू है, सब दूर है पास तू है, जग धूप है छांव तू है, हम पहचाने कैसे निराकार तेरा शिखर। हाँ सब ढूंढते हैं यहाँ अपना अपना शिखर। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई। हे ईश्वर सभी राहों का सच्चा शिखर। बेटा, आज मैंने देखा है कि तुम सब कुछ समझ गए हो। अब मैं जान गया हूं कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो। बाबा, हमें पेपर्स मिल गए जमीन के। बाबा, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा, बेटा, हर किसी का एक सपना होता है, पर जो अपने सपने दूसरों के आंसुओं से पूरे करते हैं उनके सपने भी आंसू बन जाते हैं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो अपनी भलाई के साथ दूसरों का भी भला चाहे। माधवी,